गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और ये हमारा एक रेगुलर सेशन है, डेली हम लोग लेके आते हैं। और इस सेशन में हम लोग अब जो कर रहे हैं वो दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम करने का मतलब वोकेबलरी वैक्सीन भी लेते हैं, जिस वोकेबलरी वैक्सीन के तहत हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशनल यूजेस, कोलोकेशनल यूजेस, और साथ में हम लोग क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस का हम लोग मतलब लाइव सेशन देखते हैं और लाइव डिस्कशन आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत किया जाए। और आज की सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे वोकैब के साथ। आज के सेशन की शुरुआत वोकैब के साथ शुरू करेंगे, वोकैब सेशन पहले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बैक टू बैक दो सेट, यानी 50 क्वेश्चंस बैक टू बैक करेंगे एक साथ। ठीक है, जो गुड इवनिंग सभी का भाई स्वागत है। चार लोग अभी आए हैं देखने के लिए। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, खैर कोई इशू नहीं है, मैच तो चलते रहेगा, हमेशा चलता है और हमेशा चलते रहेगा। एक बार लोगों को रिमाइंडर दे देता हूँ कि भाई लाइव आ चुका हूँ, आ जाइए आप लोग। चले एक बार लाइव की सूचना हम दे देते हैं और सेशन की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि टाइम अपन के पास है नहीं। हेलो, वॉइस तो आ गई होगी। ठीक है, नेटवर्क का इश्यू आप लोग को है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है ना। अब देखिए तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, अब आप लोग देखें कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप लोग को देखना है साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, अब बताएं। इज इट क्लियर, जो आपका वॉइस है वो ऑडिबल है या नहीं है, बताइए फटाक से बताइए। अब सब कुछ क्लियर है या नहीं, सब कुछ क्लियर है। चलिए तो शुरू किया जाए सेशन भाई, बिना देर किए। ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट्स लेट हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बच्चे जितने हैं उतने अच्छे हैं। क्लियर है सब, ठीक है। तो भाई अब रखा जाए और सेशन की शुरुआत किया जाए, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग फटाफट पहले क्या करें, 15 वर्ड्स, जो हमारा 15 वर्ड्स का डोज है उसको पहले क्या करें, पूरा करेंगे 15 वर्ड्स डोज। ठीक है, पहले उसको पूरा किया जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्ड है ना 34 नंबर, जो देखो जहाँ हमने कल लास्ट किया था ना उससे आगे बढ़ना है, इसलिए हम ये 34 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका 34 नंबर वर्ड में एबिस्मल, ये एडजेक्टिव है। एबिस्मल ये है एडजेक्टिव फॉर्म में, एबिस्मल एडजेक्टिव है। और ये जो दिया ना ये आपका कंडीशन, ये कोलोकेशन है, जैसे हम लोग लिखते हैं एबिस्मल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एबिस्मल कंडीशन, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि जो आपका कंडीशन है दशा, ये दशा जो है बहुत ही बुरा है, ये दे देंगे बुरा दशा है। ठीक है, या बुरा क्या बोलेंगे, कंडीशन है मतलब क्या, बुरा जो है स्थिति है, बड़ा ही खराब स्थिति है उसको बोलते हैं, खराब स्थिति के लिए यूज करेंगे हम लोग एबिस्मल, एबिस्मल कंडीशन। तो ये याद रखेंगे। ये देखो इसका दिया है ना, ये आपको डिफिनेशन है वेरी बैड, तो सामने वाला वर्ड जो है वो कोलोकेशन है,
ये कंडीशन नाउन है और ये आपका एविजिबल एडजेक्टिव है। जब नाउन के लिए एडजेक्टिव फिक्स होता है, इसको हम एडजेक्टिव कोलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोकेशन कहते हैं एडजेक्टिव। बहुत अच्छे, राजू कुमार ने लिखा है एक वर्ड कि सर ये भी आपका हो सकता है एविजिबल परफॉर्मेंस, एकदम आप दे सकते हो। ठीक है, एविजिबल परफॉर्मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे बोलते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस, सेम अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले बढ़िया। नेक्स्ट हमारा जो दिया है, सो देखिए सेकेंड यूज, ये फर्स्ट यूज हो गया, सेकेंड इसका यूज देखिए। फिर ये कोलोकेशन है, एविस्मल इग्नोरेंस या पॉवर्टी। अगर कल के डेट में आपको बताना हो डैश पॉवर्टी दिया है सिंगल फिलर में, ये आपका क्लोज टेस्ट में डैश पॉवर्टी, और आपको गरीबी को बहुत ज्यादा गरीबी दिखाना है जिसको कहते हैं दरिद्रता, अगर कोई दरिद्रता को दिखाना हो तो एविस्मल पॉवर्टी, गरीबी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एविस्मल पॉवर्टी। और हमने कल बताया था कि एविस्मल इग्नोरेंस, अज्ञानता, अज्ञानता का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हाई है। जैसे हमने कल बताया था कि कालिदास जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे, वो जो था एबिस्मल इग्नोरेंस था, बात समझे? तो देखिए एबिस्मल का मीनिंग हुआ यहाँ पे एक्सट्रीम का सेंस में, ये अत्यधिक ज्यादा एक्सट्रीम, उस सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव। लेकिन क्या होगा भाई साहब? निगेटिव, याद आएगा, निगेटिव में यूज करते हैं इसको, निगेटिव वर्ड। इसका उल्टा जो वर्ड है आपको एंटोनिम दिया है वो माइल्ड है। माइल्ड का मतलब हल्का फुल्का होता है, बुद्धि यानी क्या है कि अज्ञानता है लेकिन थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये सेंस में आपका याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका बड़ा अच्छा सा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये आपको एक्यूलेट है, एक्यूलेट जो है ये नाउन फॉर्म है इसका, देखो सिनोनिम से ऑनर है। ये ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। प्रेज मतलब क्या होता है? सम्मान, या आप बोलो प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है, क्योंकि आपका जब आप सम्मान आपको मिलेगा तो प्रशंसा भी मिलेगा, इस रूप में ये सिनोनिम्स है। ठीक है, अनंत मिश्रा बोले एरेंट फुल, हाँ उसके लिए वो था एबिस्मल, किसके लिए? एबिस्मल इग्नोरेंस के लिए। ठीक है, चलिए और जो वर्ड कुछ लिखना है लिखिए, यहाँ पे लिखिए कुडोज, KUDOS, कुडोज। ठीक है, कुडोज का मतलब समझते हो, ये भी आपका क्या है, ये हम यूज करते हैं एक्लोट के लिए, एक्लोट जब आप अपने देश के लिए कुडोज लाते हो, बात समझो ना। और सेम सेंस में एक वर्ड है हमारे पास टू ब्रिंग लॉरेल्स, ये वर्ड आप याद रखिए, LAURELS, टू ब्रिंग लॉरेल्स टू आवर नेशन। ठीक है, अपने देश के लिए सम्मान लेके आते हो, जैसे गोल्ड जीत के आया या कुछ भी लिख के आया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, ऑनर है, प्रेज है, कुडोज है आपका, लॉरेल्स है। या अगर आपको दूसरा वर्ड लिखना है तो क्या लिख सकते हो? और वर्ड लिख सकते हो, सिंपल में क्या लिख सकते हो? प्रशंसा के लिए जो वर्ड आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, प्रशंसा के लिए आप क्या लिख सकते हो? एक वर्ड काफी अच्छा है, वो लिखे एक्सटोल से बनता है, एक्सटोलमेंट, आप ये लिख सकते हैं। देखिए उल्टा जो दिया है डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब है कलंक, डिसग्रेस का मतलब कलंक है हिंदी में। तो अगर एक बंदा जो है सम्मान लेके आता है, कुछ लोग जो है आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके गांव के लिए वो कलंक लेके आता है, ठीक है, दोनों आ सकता है। कमेंडेशन बोलिए तो हो सकता है, कमेंड मत बोलिए, नाउन फॉर्म है तो नाउन ही बोलना है, कमेंडेशन बोलिएगा। ठीक है दीपक, चले डिसग्रेस। कल हमने एक वर्ड बताया था आपको एस्टिग्मा, याद है? एस्टिग्मा मतलब क्या होता है? यही होता है कलंक के रूप में, आप कलंक लेके आओ, बात समझो ना, ये आप वर्ड लिख सकते हैं, हो गया। उल्टा देना है मेरे भाई, या आप क्या ले सकते हो, कुछ भी लाना है लेकिन आपको क्या सम्मान का, देखो ये अगर ऑनर है तो इसका उल्टा क्या लिख सकते हो? डिजॉनर, लिखे डिज ऑनर, ये आप वर्ड लिख सकते हैं डिजॉनर, बात समझो। एक वर्ड है इग्नोमिनी, ठीक है, ये आप वर्ड लिखिए, इग्नोमिनी आपने सुना होगा, तो लिखिए आपके पास वर्ड है इग्नोमिनी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, IGNO, इग्नोमिनी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, समझ लो। सभी लोग लगता है कि मैच देखने में आज व्यस्त हो भाई, आज बहुत लोग कम लोग हो, ठीक है, तो मैच देखने में व्यस्त है कोई इशू नहीं है, फिर भी जो लोग देख रहे हैं आप अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए, ये इग्नोमिनी का मतलब अपमान होता है, बेज्जती होता है, अपमान, बेज्जती, आप लिख लीजिए अपमान या बेज्जती, लिख लिए अपमान या बेचती। आप देखिए अनप्रेज्ड मत लिखिए, इसलिए कि आपको नाउन फॉर्म में देना है तो नाउन फॉर्म में ही देना है जवाब, नाउन फॉर्म है तो नाउन फॉर्म में ही। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारे पास है एसर्विक, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका कोलोकेशन दिया, एसर्विक रिमार्क हो या एसर्विक क्या हो, मैनर हो, या एसर्विक आपका स्टेटमेंट हो, या एसर्विक आपका रिप्लाई हो, रिप्लाई, तो ये इसको हम यूज करते हैं कोलोकेशन, रिप्लाई का मतलब उत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर जो होता है। तो एसर्विक का मतलब करवा होता है, एसर्विक मीन्स करवा, कटु होता है, एसर्विक मीन्स करवा, कटु, सही है, बात समझ रहे हो ना। तो ये देख लीजिए,
अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है सिनोनिम्स के रूप में हार्स लिखा हुआ है, ठीक है। हार्स जो है ये भी हम यूज करते हैं करा के लिए, रुखरा के लिए। तो देखिए क्या है हार्स, क्या है तो बिहेवियर या वर्ड्स, हार्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, हार्स उनका बिहेवियर है। देखो अगला दिया है वर्ड एसिड्यूलस, एसिड से बना है, एसी एसिड्यूलस, ये वर्ड एसिड से बना है। एसिड हम जानते हैं कि कैसा होता है, जहां आपको पड़ेगा एसिड तो क्या होता है। तो इन वर्ड्स के अलावा आपको लिखना है, लिखिए वर्ड कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब यही होता है, लिखिए TURT, कर्ट, आपने सुना कॉस्टिक, कॉस्टिक रिमार्क, कर्ट रिप्लाई, आपने सुना होगा कर्ट रिप्लाई, ये वर्ड याद है। अगला वर्ड आपको लिखना है, यहीं पे लिखा रहा हूँ, लिखिए अगला वर्ड आपको लिखना है, लिखिए विट्रियोलिक, विट्रोल से बना है, विट्रियोलिक, विट्रोल, ब्लू विट्रोल, याद है तो विट्रियोलिक लिख लिया। अगला वर्ड लिखना है सल्फर से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो ना, सल्फ्यूरस आप लिखेंगे, सल्फ्यूरस, ये वर्ड भी आप लिखिएगा सल्फ्यूरस, समझो ये सल्फर से बना है सल्फ्यूरस, ठीक है लिख लिया सल्फ्यूरस, आप लिख लें जरूर लिखिए वर्ड, बैठ गया हूँ सल्फ्यूरस, ठीक है। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है, एसर्विक, कर्ट, ठीक है, ये आपको सभी अच्छे वर्ड है, ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। कॉस्टिक हमने लिख दिया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए अगला जो दिया कॉटियस दिया, विनर्म, ये आपको क्या है विनर्म, कॉटियस विनर्म है, सील है, उसके लिए यूज करेंगे। तो कॉटियस वर्ड यूज कर सकते हैं, या आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो क्या जेनियल वर्ड्स, अच्छे वर्ड का, फ्रेंडली वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कॉटियस, या आपको अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, उसी सेंस में आप लिख सकते हैं कि अच्छा अगर यूज किया गया है तो आप लिख सकते हो क्या, जो आपका बढ़िया वर्ड यूज किया गया तो आप लिख सकते हो क्या एमिकेबल, फ्रेंडली जिसको कहते हैं, या आप लिख सकते हैं क्या एमिएबल, आप लिख सकते हैं क्या एफेबल, आप लिख सकते हैं क्या कॉर्डियल, जेनियल, सब वर्ड लिख सकते हो, पहले भी अभी हमने लिखाया है इसको, तो आप लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हैं क्या कॉर्डियल, आप लिख लें अच्छे वर्ड्स आपको लिखना है। या अगर मानो कि वर्ड्स में बड़ा ही सम्मान है झलकता है तो लिखिए क्या रेस्पेक्टफुल वर्ड्स, रेस्पेक्टफुल क्या है इनका वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बड़ा ही अच्छा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है और आपको याद रखना है कि इसके साथ प्रीपोजिशन जो होता है एक्यूजी इन होता है, एक्यूजी इन, ये एक्यूजी वर्ड क्या होता है, तो एक्यूजी जो होता है कि अगर आपका मन है या मन नहीं है उससे मायने नहीं रखता है, जो आपको बेमन ही सही लेकिन आप स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना होता है, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ाइए सर, ब्राइटनेस और बढ़ा दो, और ब्राइटनेस बढ़ा दो, क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे रेस्पेक्टिव पर्सन नहीं होता है, याद रखिएगा अंतर है, हम यूज करते हैं क्या रेस्पेक्टेड, ठीक है रेस्पेक्टेड पर्सन, बस मानो रेस्पेक्टेड पर्सन, आप यूज करते हैं क्या रेस्पेक्टफुल वर्ड्स, समझ लो रेस्पेक्टफुल वर्ड्स होता है, रेस्पेक्टफुल पर्सन नहीं होता है। और आपका एक वर्ड होता है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल भी हम पर्सन के साथ यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, रेस्पेक्टफुल वर्ड्स होता है, रेस्पेक्टेड और रेस्पेक्टेबल पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ब्राइटनेस ज्यादा आँख पे जोर पड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है कि क्रमशः अपने अपने क्या होगा भाई, अपने अपने कमरे में जाइए, क्रमशः अपने अपने क्या हो, अपने अपने सीट पे बैठिए, रेस्पेक्टिव सीट्स बोलते हैं, बात समझ में आ गया। चलिए ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, प्रीपोजिशन इन होता है, स्वीकार करना, कोई प्रपोजल हो चाहे प्लान हो या ऑफर हो इसको स्वीकार करना, लेकिन इसमें दिया है क्या है कि विदाउट प्रोटेस्ट, बिना आप विरोध किए हुए, जैसे आपका मन भी है तो भी आप विरोध नहीं कर सकते हो, बेमन ही सही लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्यूजी इन, ठीक है बस मान लो एक्यूजी इन, ये इसका सिनोनिम्स। अगला वर्ड है रेसिस्ट, यानी ये है विरोध करना, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, रेसिस्ट यूज करो या जितना भी आपको विरोध करने वाला वर्ड है आप लिखिए, लिखिए अपोज, अपोज नहीं लिख सकते हो, आप लिखेंगे डिफाई, डिफाई का मतलब DEFY, डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना, समझ लो डिफाई कर रहे कोई चीज के लिए तो चैलेंज करना है, वर्ड अच्छा है आप लिख लेंगे, ठीक है डिफाई, ये चैलेंज करना है। या आपने सुना होगा कि कोई प्रपोजल दिया है या आपका ऑफर दिया है, तो सबसे ज्यादा प्रपोजल ऑफर को अगर हम इनकार करने के लिए वर्ड यूज करते हैं तो दो वर्ड यूज करते हैं, डिक्लाइन द ऑफर, डिक्लाइन द इन्विटेशन, डिक्लाइन द ऑफर आप इस्तेमाल करते हैं, टू रिफ्यूज, रिफ्यूज भी यूज कर सकते हो, ठीक है रिफ्यूज कर सकते हो, आप चाहो तो डिनाई भी कर सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनाई भी कर सकते हो आप सभी लोग, बात समझे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक्रीमोनी,
देखिए, एक वर्ड एक्रिमनी जो है ये इस वर्ड का भी सिनोनिम्स है। अगर हम इसको क्या बने, ये देखो ये एडजेक्टिव बना दिया है, देखो यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और ये जो वर्ड दिया एक्रिमोनियस, ये एक्रिमोनियस जो है इसी वर्ड का सिनोनिम है, एसआरवी का। लिखिए ये सिनोनिम हमने डाल दिया, एक्रिमोनियस सिनोनिम है किसका, एसआरवी का, एडजेक्टिव फॉर्म में। और एक्रिमोनी जो है ये हमारा क्या है, ये भाई एक्रिमोनी जो है ये बिटरनेस है, बिटरनेस नाउन फॉर्म में है। और देखिए बिटरनेस किस चीज में, तो इन फीलिंग और वर्ड्स, आपके भावना में या आपके शब्दों में अगर बिटरनेस है, क्या है, कड़वापन है, इसके लिए यूज करते हैं बिटरनेस इन वर्ड्स और फीलिंग, ये याद रहेगा। तो ये बिटरनेस का मतलब हो गया कड़वापन। अब देखो इसी वर्ड को उठा के इसका एडजेक्टिव फॉर्म था, इसको बना दिया यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म एसआरबीटी। तो एसआरबीटी जो है नाउन फॉर्म हो गया, यही इसका सिनोनिम्स हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। तो रिश्तों में कड़वाहट, ये रहा एक्रिमोनियस रिलेशन, ये रिलेशन नाउन है, इसका कोलोकेशन एक्रिमोनियस एडजेक्टिव है और रिलेशन क्या है, नाउन है। ये रिलेशन अगर नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव कोलोकेशन है, एक्रिमोनियस रिलेशन। बात समझ में आया, चलिए एक्रिमोनियस के बाद बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है आपका, वो हमारा वर्ड है एम्बिट है, दिखाई दे रहा है, द नेक्स्ट वन इज एम्बिट। और एम्बिट जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, आप याद रखिए एम्बिट खूबसूरत सा वर्ड है, और इसका खूबसूरत यूज देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। एम्बिट चलते हैं जरा सा देखते हैं हम लोग। एम्बिट जो वर्ड है ये एम्बिट हमारा, एम्बिट क्या होता है, नाउन फॉर्म। और अगर एम्बिट नाउन फॉर्म है, इसका डिफिनेशन होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपका प्रभाव कहाँ तक है, प्रभाव जो है कहाँ तक है, क्षेत्र, ठीक है। एक्रोमेनियस रिमार्क होगा राजू कुमार, एक्रिमोनियस रिमार्क होगा, एक्रिमोनी तो नाउन फॉर्म हो गया मेरे भाई, रिमार्क आपका नाउन फॉर्म हो गया, ठीक है। सर कुछ पूछना है इससे अलग पूछ ले भाई। तो देखो ये जो दिया ना, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिया है, इसका सिनोनिम्स देखिए स्कोप, मतलब कहाँ तक इसका क्षेत्र है, ठीक है, इस सेंस में। जैसे स्कोप के लिए अच्छा वर्ड आप लिखेंगे कहाँ तक क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं रेंज, इनका रेंज कहाँ तक है, आर ए एन जी, ठीक है। रेंज के बाद आप लिखिए डोमेन, ये डोमेन जो है ये कहाँ तक है, बात समझ रहे हो, रेंज के बाद डोमेन, कहाँ तक इनका रेंज है, समझ रहे हो, ये सेंस में आप लिख सकते हो। क्या चीज के लिए थैंक्स बोल रहे हो मेरे भाई। चलिए तो आपका जो एक बच्चा लिख रहा है एक्सटेंट, आप लिख सकते हो एक्सटेंट भी चलेगा, ठीक है। आपका जो है ऑर्बिट कहाँ तक है, ऑर्बिट, बस मारो ये ऑर्बिट जो है कहाँ तक है, आपकी पहुंच कहाँ तक है, रीच, लिखिए रीच कहाँ तक है। बोलते हो ना कि इनका रीच बड़ा अच्छा है, यूट्यूब पे रीच इनका बढ़िया है, तो रीच जो है आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि रीच जो है नाउन भी होता है। रीच क्या होता है, नाउन भी होता है, आर ई ए सी एच, रीच नाउन भी होता है, नहीं पता है तो आप जानिए, ठीक है। सर जी एरर का पता नहीं चलता, उसे कैसे ठीक करूँ, एरर का पैसा पता नहीं चलता ना मेरे भाई, आपने वो वोकैब करवा दिया, हाँ तो वो कैब तो करवा ही रहा हूँ। सर कोर्ट सबका एग्जाम टाइपिंग में बैक स्पेस यूज करना अलाउ होता है या नहीं, देखिए बहुत बच्चों का जो कुछ चीज़ प्रॉब्लम है मैं बता दूँ। देखिए अभी क्या किया ना, टाइपिंग और एस्ट्रोनोग्राफर ये दो पोस्ट के लिए ना बड़ी परेशान कर रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों, टाइपिंग चाहिए, एस्ट्रोनोग्राफर में भी आपको हिंदी इंग्लिश चाहिए। सबसे अच्छा आप लोग क्या करो ना कि क्लर्क का फॉर्म भरो और चपरासी का भरो, क्लर्क एंड चपरासी। सर आपने बुकलेट कराया क्या, मैं बुकलेट कराना शुरू कर दिया अभी, ठीक है। सर आप अपने बुकलेट कराया क्या, हाँ मैं अपने ही बुकलेट से करा रहा हूँ, इंटरमीडिएट एडवांस वाला, प्रिलिमिनरी हमने फाउंडेशन में पढ़ाया था। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए कि क्लर्क और चपरासी का फॉर्म भरिए, पहला बात समझ में आ गया। और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि मैं बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, बैच जल्द ही लॉन्च करने जा रहा हूँ, जल्द ही, ठीक है, बहुत जल्द ही हम लोग इंटरमीडिएट बुकलेट पूरा पढ़ाएंगे, हाँ पूरा पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ये पूरा इंटरमीडिएट बुकलेट जो है, मैं आपको याद रखना, ये आपका जो सीजीएल प्री है उससे पहले इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। हाँ ओनली कलर का डालना है प्रियंजन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर चपरासी डालना है तो चपरासी डालो, अगर आपको कलर कोट कलर डालना है तो कोट कलर डालो। सर आपसे लाइव पढ़ना है, लाइव पढ़ना है तो आ जाओ। सर ये वर्ड्स काफ़ी है क्या, यही वर्ड्स काफ़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछेगा, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो या आपका कोर्ट का एग्जाम हो। आप इतना जान लीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत मस्त चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अब मैं प्रिंट भी करवा लूँगा, हाँ इंटरमीडिएट का करा लेना प्रिंट, ठीक है। आप अगर इंटरमीडिएट भी पूरा कर लेते हो ना, ये आपका मोर देन सफिशियंट है, और हमने प्रिलिमिनरी ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ाया है। मैं उसकी वीडियो क्या करूँगा, निकाल के ना इस पर डाल दूंगा, या तो ये कर सकता हूँ, नहीं तो पढ़ा देंगे उसको भी, ठीक है। कल बोले थे खुशखबरी सुनाएंगे,
अरे खुशखबरी सुना तो दिया, मैं लेके आ रहा हूँ ना सर, ये सीजीएल के लिए भी इनफ है सर। मेरे को भी बता दो, चंद्रशेखर रावण जी आप इतना जान लीजिए कि आपकी एरर की अगर परेशानी है ना, तो आप लिखिए जो हमारा 11 आवर्स का वीडियो है मैराथन सेशन, जिसमें हमने पढ़ाया है क्या देसी एवं सरल अंदाज में क्या पूरा ग्रामर, तो आप जाके देसी एवं सरल अंदाज में पूरा ग्रामर का वीडियो देखिए मेरा, कहाँ यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए सिर्फ मेरा नाम क्या इंग्लिश ग्रामर भाई सुशील सर, अगर डालोगे ना मैराथन सेशन भाई सुशील सर आ जाएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखो ठीक है सर। कांटी फैक्ट्री में ऑफलाइन शुरू कीजिएगा क्या? नहीं अब नहीं होगा कभी, कांटी फैक्ट्री नो खत्म हो गया, नया टोला में शुरू हो चुका है ठीक है। और जिनको भी पढ़ना सबका स्वागत है। आइए सर जी, मैं एम जी कंसेप्ट पे भी हूँ, तो एम जी कंसेप्ट पे अगर आप हो तो मेरा फाउंडेशन बैच ले लीजिए पूरा, देख लो बात खत्म करो। यूट्यूब पे मैराथन सेशन में हमने जितना भी सेशन ग्रामर कराया सब आप जाकर देख लीजिए, सबका आपका सही हो जाएगा एरर। और आपको अगर एरर नहीं शुरू होगा तो अभी हमने एक पीडीएफ डाला है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जो लोग नहीं जानते देख ले, पहले इसको देख लो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये आपका सिनोनिम्स हो गया इसका। अब देखो इसका कितना बढ़िया कोलोकेशन है, विद इन द एम्बिट ऑफ, दायरे में, क्या चीज क्या दायरे में, ये दायरे विद इन द एम्बिट ऑफ मतलब आप अपने दायरे में रहिए, नहीं कहते हैं कि आप अपने दायरे में रहिए, लिव विद इन योर एम्बिट, आप अपने दायरे में रहो, लिव विद इन योर एम्बिट, समझ में आ गया। तो ये दायरे में है, और आप जान लीजिए कि हम आपको कुछ डाले हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आज हमने डाला है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको आज हमने क्या डाला है, आपको हमने डाला है बैंक ठीक है, बैंक क्लर्क और पीओ, पीओ का क्या डाला है हमने, ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन डाला है किसका, क्वेश्चन जो है वो किसका है, एरर के क्वेश्चन डाला है आज हमने, एरर के क्वेश्चन हमने डाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे हमने उसको पढ़ाया था किसमें, मेंस बैच में पढ़ाया है, एसपी मंत्रा बैच जो मेंस बैच था एम जी कंसेप्ट ऐप पे पढ़ाया था, अगर चाहते हो कि यहाँ भी लाइव पढ़ा दूँ तो पढ़ा दूंगा। कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो कि हमने जो टेलीग्राम चैनल पे बैंक क्लर्क और पीओ के एरर के क्वेश्चंस डाले हैं, एरर वाले क्वेश्चन डाले हैं ना, आज जाके देखो टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो बस ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। आपको क्या करना, इंग्लिश बाय ऑफिसर चाहिए सुशील सर, आपको देखिए टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इस पे जाइए आपको मिल जाएगा, हमने आज डाला है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको एक मैराथन सेशन लेंगे, संडे को उड़ा देंगे, आप लोग की क्या राय है ठीक है, फिर से फ्री स्टाइल में पढ़ा देंगे समझे, हम आपको फ्री स्टाइल में पूरा एरर कर रहे हैं, लगभग उसमें एरर कितना है पता है, उसमें लगभग आपको एरर है लगभग आपको 900 है एरर्स, वो करा देंगे, कहो तो हम करा देंगे, मेरे को क्या है। तो याद रखना पढ़ा दीजिए सर, 3K सब्सक्राइब होने पर, तीन अरे उससे पहले करा देंगे, हमको सब्सक्राइबर से कोई लेने देना नहीं है ठीक है, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए हम पढ़ाते रहेंगे। अभी देखो बहुत अच्छा अच्छा सेशन आने वाला है, तो ये पक्का हो गया कि आपका एक मैराथन सेशन आ रहा है, मैराथन सेशन ऑन एरर, मैराथन ऑन एरर, अब वो भी मैराथन ऑन एरर जो होगा किस पे, तो बैंक क्लर्क और पीओ के एरर आएंगे आपको, बैंक क्लर्क और पीओ के एरर आएंगे, बस इतना जान लीजिए, बैंक क्लर्क और पीओ के कॉमन एरर्स, एसएससी वाला नहीं लूंगा मैं ठीक है, ये एरर्स मैं लेके आ रहा हूँ। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं टेलीग्राम चैनल, आप क्या करें इसको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, आपको उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत जल्द आ रहा है ठीक है। बस मैं एक ये हो गया मैराथन सेशन, अगला एक मैराथन सेशन मैं जो लेके आ रहा हूँ बैंकिंग का ही लेके आ रहा हूँ केवल, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि बैंकिंग के ही जो जितने भी इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब लेवल बढ़ाया तो मैं इसको लेके आता हूँ, लाइव ही पढ़ा देंगे क्या करेंगे, वीडियो डाल के उससे अच्छा लाइव पढ़ा देंगे आपके साथ ठीक है। तो आपको देख लो ये जो है ना, ये आपको ये याद रखना, फिर इसके बाद एक मैराथन सेशन लाएंगे हम किसका, एक हमारा जो है देखिए जो कोर्ट में सिविल कोर्ट में सबसे ज्यादा आपको पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमबी बुक, एमबी बुक वाला ही जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको करा दूंगा मैराथन में, ये भी मैराथन सेशन होगा, और इसी संडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस संडे से हम लोग मैराथन सेशन शुरू कर रहे हैं ठीक है, इस संडे से हम लोग आपको क्या कर रहे हैं मैराथन सेशन ला रहे हैं, बात समझो ना। तो ये अच्छे लेवल की इंग्लिश आई इसलिए एमबी वाली जो है ये भी मैराथन सेशन करा दूंगा, बैंक वाला जो सीरीज मैं शुरू करता हूँ स्पीड मंत्रा का जो भी है ना, अगर मैं मानो कि वहां के वीडियो उठा के मैं यहाँ डाल दूँ तो उतना अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा, लाइव में पढ़ा देंगे उसका अपना मजा आएगा,
सबसे पहले एरर कराते हैं, सही बोल रहे हो, सबसे पहले एरर होगा उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बाद एमबी बुक वाली क्या होगी, एमबी बुक की जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास एमईटी है। एमईटी जो वर्ड है ये फ्रेंडली रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप समझते हो, मतलब जो आपका दोस्ताना सही है रिश्ता जो है उसके लिए बोलते हैं। तो एमईटी यूनिवर्सिटी सुना होगा, एमईटी अपने आप में एक वर्ड है जो इसका मीनिंग होता है नाउन, ठीक है। ये देख लो ये नाउन फॉर्म है, जैसे एमईटी फ्रेंडली दिया है तो आप यहां से नाउन बना सकते हो, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, ये वर्ड आपने सुना है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस जो है ये आपका नाउन फॉर्म हो गया, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, ये याद रखिएगा नाउन फॉर्म हो गया। अगर हमारे पास फ्रेंडली के लिए सिनोनिम्स की बात करें फ्रेंडली का, तो फ्रेंडली का एक वर्ड होता है सिनोनिम्स कॉर्डियल, जेनियल, तो आप कॉर्डियोलिटी लिख सकते हो, कॉर्डियल देखो कॉर्डियल हुआ तो कॉर्डियलिटी लिख सकते हो, कॉर्डियल उसमें आई टी वाई जोड़ दो कॉर्डियलिटी, अगर जेनियल है तो जेनियलिटी, बस आई टी वाई जोड़ दो कॉर्डियल में और जेनियल में, वो वर्ड हो जाएगा। आपको अगर लिखना है इस दोनों वर्ड को तो मैं लिख देता हूँ, लिखिए आप यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या क्या लिखेंगे, तो सिनोनिम के रूप में इसका लिखिए, जेनियल से बन जाएगा जेनियलिटी, जेनियल और लिटी, ये रहा कॉर्डियल, अगर है तो क्या बन जाएगा कॉर्डियल, ठीक है, और कॉर्डियल वर्ड है तो कॉर्डियल से बन जाएगा क्या कॉर्डियलिटी, ठीक है, कॉर्डियलिटी, कॉर्डियल, कॉर्डियल का स्पेलिंग गलत हो रहा है, अगर कॉर्डियल लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी, बात समझो, तो ये कॉर्डियलिटी हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना है कॉर्डियलिटी, कॉर्डियल, तो कॉर्डियल का क्या हो जाएगा कॉर्डियलिटी, बात समझ में आ रहा है। कंप्यूटर का बुक अच्छा रहेगा सिविल कोड के लिए, लिखिए कंप्यूटर का बुक का नाम है, वो बुक का नाम लिखिए परीक्षा मंथन, कंप्यूटर का बुक का नाम लिखना है लिखिए परीक्षा मंथन की बुक आती है, आप ऑर्डर कर ले ऑनलाइन, परीक्षा मंथन ऑनलाइन करिए ना, बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आती है, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम लीजिए ज्यादा पढ़ के समझ में आएगा, परीक्षा मंथन, ठीक है, परीक्षा मंथन, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते, अभी हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा एस्ट्रिंजेंट है, यहाँ से वर्ड चेक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट जो वर्ड है जरा उसको देखिए आप, एस्ट्रिंजेंट दिख रहा है आपको वर्ड, लीजिए एस्ट्रिंजेंट वर्ड है आपके सामने, ठीक है, और एस्ट्रिंजेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है, एस्ट्रिंजेंट जो है वर्ड ऐसे नहीं समझिएगा आप, एस्ट्रिंजेंट ये एक आपका एडजेक्टिव है, और ये देखो इसका कोलोकेशन दिया क्रिटिसिज्म या लिखा है क्या क्रिटिक, और एस्ट्रिंजेंट का भी मीनिंग जो होता है ये आपको क्या होता है सीवियर होता है, सीवियर, या दूसरा जो आपको मीनिंग है सीवियर का क्या सेंस होता है, ये भी तीखा होता है, जो आलोचना आ रहा है वो तीखा आलोचना हो रहा है, आलोचना, बस आलोचना जो हो रहा है ये क्या है तीखा हो रहा है, और आप ये अच्छे से जान लिए एस्ट्रिंजेंट जो आपको नेल पॉलिश हटाने के लिए यूज किया था वो भी क्या होता है तीखा होता है, ऐसे याद रखो लड़कियां जो यूज करती है नेल पॉलिश हटाने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिए, ये आपको क्या लिख सकते हो, फिर आपको लिख सकते हो हार्स, ठीक है, वो सब वर्ड्स लिख सकते हैं आप। अब देखो एस्ट्रिंजेंट का उल्टा जो दिया है सो जरा सुनिएगा, आलोचना के लिए लिखता है, ठीक है, कि आपका सीवियर हो गया आपका हार्स हो गया, ये वर्ड जो लिखा है वो देखिए ये लिखता है ब्लांट, आपको पता है, अगर मानो एक होता है खाते हम तो अरे बड़ी तीखा लग रहा है भाई, ठीक है, ये हुआ आपको तीखा हार्स हुआ, लेकिन एक आपका टेस्ट होता है जो टेस्ट को बोलते हैं ब्लांट, बी एल ए एन डी, ठीक है, तो ब्लांट का मतलब क्या होता है बेस्वाद, ये भाई इसका हिंदी होता है बिना स्वाद का, बेस्वाद, ना ये तीखा है ना कुछ है, बेस्वाद है, तो ब्लांट जो है टेस्ट में यूज करते हैं, जैसे हम इसका कोलोकेशन की बात करें तो ब्लांट, ब्लांट जो है ये जैसे हम बोले क्या ब्लांट, अगर कोलोकेशन बोले ब्लांट टेस्ट, ठीक है, तो ब्लांट टेस्ट का मतलब क्या ये स्वाद, स्वाद जो है बेस्वाद हो गया। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स लिखिए इंसिपिड, इंसिपिड, ये आपको काफी अच्छा वर्ड है इंसिपिड, ये एक वर्ड है हमारे पास लिखिए वो है वैपिड, ठीक है, वैपिड, अगला वर्ड लिख सकते हो क्या टेस्टलेस, ठीक है, टेस्टलेस, अगला वर्ड लिख सकते हो सेवर, सेवर माने टेस्ट होता है सेवरलेस, तो ये इसके सिनोनिम्स हुए, ठीक है, ये आपका वर्ड है ब्लांट, बी एल ए एन डी, एक वर्ड होता है बी एल ई एन डी, ठीक है, फीका स्वाद के लिए था, सही है। चलिए एसे लेटर कैसे पढ़ेंगे सर सिविल कोर्ट में, वही तो मैं बैच शुरू कर रहा हूँ आदित्य सोनू, समझ रहे हो ना, आप लोग सब लोग के लिए खुशखबरी, खुशखबरी ये कि सिविल कोर्ट का, सही है ना, सिविल कोर्ट मैं ऑफलाइन ही शुरू करने जा रहा हूँ, सिविल कोर्ट ऑफलाइन, ये सिर्फ और सिर्फ हम ऑफलाइन में शुरू करेंगे, ओनली ऑफलाइन, ये आपका सिविल कोर्ट ओनली ऑफलाइन, कितने बजे से शुरू करने जा रहे हैं
ऑफलाइन सेशन होगा सिर्फ। सिविल कोड का मैं सिर्फ ऑफलाइन शुरू करने जा रहा हूँ। जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है इंग्लिश का, जो अभी नीचे दिखा रहा है आपको कि फाउंडेशन 15-15 डेमो क्लासेस, इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है सिविल कोड के लिए। ठीक है, तो मैं इस बैच को अभी सस्पेंड करूँगा, फाउंडेशन बैच को, ये हो सकता है। ठीक है, या आपको 3 दिन उसको पढ़ाऊँगा, इसको पढ़ाऊँ 3 दिन, ये हो सकता है, बात समझे। तो ये जो है ना, ये मैं इसको ऑफलाइन शुरू करने जा रहा हूँ। या तो ये इसकी टाइमिंग 7:30 होगी अगर फाउंडेशन को करने है क्या सस्पेंड, या हमारे पास दूसरा जो है मैं बता दूँ 8:30 हो सकता है। 8:30 में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन करते हैं। तो दोनों में से एक काम करने जा रहे हैं। तो आपका ये सुबह का टाइम जो है ना, आपको सिविल कोड का क्रैश कोर्स आ रहा है, सिविल कोड स्पेशल, जिसमें जो लोग चाहते हैं क्लर्क या चाहते हैं टाइपिस्ट या रीडर, सबका एक ही सिलेबस है। जो क्लर्क है, टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर, सिलेबस एक है। जो आपका प्यून है उसका सिलेबस बहुआ वाला है, लॉलीपॉप है। ऑनलाइन सर लाइए सर, ऑनलाइन नहीं लाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन नहीं ला सकते हैं, उसका वजह है क्योंकि ऑनलाइन में उतने बच्चे नहीं मिलेंगे जितना हमें ऑफलाइन में मिलेंगे, और ऑफलाइन से मेरे को रिजल्ट कराना है। और इसकी फीस जानिए कितनी है, फीस जानोगे कितना है इसकी फीस जो होगी, ये गारंटीड बैच होगी, ये गारंटीड बैच होगी। मतलब ये है कि अगर आपका गारंटीड बैच, आपको क्या करना है कि इसमें पैसा एक बार जमा करना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस, सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब क्या, रिटेन नहीं हुआ तो पैसा वापस, रिटेन अगर हो गया ठीक है तो इंटरव्यू की तैयारी हम कराएंगे अपनी जिम्मेदारी पे, और उसके बाद आपको सिलेक्शन करवाएंगे। रिटेन अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, बस मानो ना, बोला है कि सर टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी होगा, ऑफलाइन हमको भी पढ़ने का है सर आपसे। तो वही सर जी, तो ये जो है ना, ये हम गारंटीड बैच लाने जा रहे हैं। वो आपको 200 रुपया 500 रुपया वाला बैच नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, सिविल कोर्ट गारंटीड बैच, गारंटीड बैच है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस। ठीक है, इवन कि फाइनल फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो आपका, याद रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपका क्या करेंगे, मैक्सिमम काम करेंगे तो 25%, 25% पैसा काट के, जो पढ़ाए आपको वो पैसा आपको काट के 25%, और आपका पैसा वापस कर देंगे 25%। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, ये एक बेहतरीन बैच होने वाला है, सिविल कोड स्पेशल गारंटीज। ठीक है, कितना पैसा रखेंगे सर ये गारंटी? पिछले बार मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था 42 स्टूडेंट्स का, जब हम 2017 में ये बैच चलाए थे, 16-17 में, तो मेरे यहाँ से 42 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी मेरे यहाँ से कम सिलेक्शन, तो हम ये तय आपको बताते हैं कि जितने बच्चे पहुँचेंगे, अगर थोड़ा सा भी स्थिति अच्छा होगा, हम एक इंट्रेंस लेने जा रहे हैं, ये इंट्रेंस होने जा रहा है, और इंट्रेंस ले के दुर्गा पूजा के बाद इंट्रेंस लेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम फीस लेंगे, समझ रहे हो? तो एक सिलेक्शन के लिए आपका एक इंट्रेंस होगा जिसमें आपका इंग्लिश होगा, आपका जैसे सिलेबस दिया वैसा ही हम लेंगे, पास मारो, उसके बाद, इसके बाद ही इस पर काम किया जाएगा। इंट्रेंस लेंगे, थोड़ा सा बेसिक तो अच्छा होना चाहिए ना, चपरासी वाला बैच है तो चपरासी जैसा रहे, वो हम करने जा रहे हैं। फीस का भी मैं नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन मिनिमम 5,000 रहेगा, मिनिमम 5,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये आप लिख रहे, याद रखिएगा कि ये गारंटीड बैच है। इस गारंटीड बैच में क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं तो पैसा वापस, सिलेक्शन नहीं तो पैसा वापस, याद रखिएगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, गारंटीड बैच है ये, आपको याद रखिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका पैसा वापस। इसलिए हम बेवकूफ़ लोग को नहीं लेंगे, हम पहले से पूछ लेंगे कि आपने फॉर्म क्या चीज़ का भरा है, टाइपिस्ट या एस्ट्रोनोग्राफर का, तो उसका गारंटी नहीं लेंगे। एस्ट्रोनोग्राफर टाइपिस्ट का नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एस्ट्रोनोग्राफर है, यानी कि शॉर्ट हैंड चाहिए। हम गारंटी लेंगे किसका, चपरासी वाले का और क्लर्क वाला का। अगर वो रिटर्न लेके आता है तो इंटरव्यू मेरा काम है कराना, कितनों बुक का लड़का हुआ तो हम करा लेंगे। ठीक है, कितनों, कम से कम कितना, 6,000 रुपया। अरे 6,000 रुपया, हाँ चलो ठीक है, तो मिनिमम इसका फीस सही है बोल रहा है, कम से कम इसका फीस तो कम से कम 6,000 रुपया रखेंगे, 6 से 7,000 रुपया रख सकते हैं। ठीक है, 6 क्या, हम तो इसको 10,000 रखना चाहेंगे, 10,000 देगा, लोग 10,000 भी लेंगे ना तो भी दे, क्योंकि वापसी की बात है, बात समझो ना, कम से कम तो इसको 6,000 से ऊपर ही रहने का, हम देखिएगा कैसा रखेंगे, इससे ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नहीं हो सकता, प्लस ही रहेगा, हो सकता है, क्योंकि हमें टीचर भी रखना पड़ेगा, मैथ्स का टीचर रखना पड़ेगा, जीके जीएस के टीचर को रखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश हम देख लेंगे वो अलग हो सकता है, कंप्यूटर भी है कुछ, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, यही प्यून और कलर का फॉर्म डालें, जो आपका ग्रेजुएशन के नीचे का बच्चा है, जो ग्रेजुएशन के नीचे का बच्चा है, जो आपका याद रखिए MTS लेवल का बच्चा है, वो सिर्फ प्यून भरेगा, और जो ग्रेजुएशन कर लिया है,
जो सीएचएसएल तक निकाल सकता है, सीएचएसएल कम से कम, वो बच्चे भरेंगे क्या चीज, वो बच्चे भरेंगे कलर का फॉर्म। अपना औकात देख के भरिएगा फॉर्म, ठीक है। चलिए ये सब तो बाद में, जो वर्ड चल रहा था वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता दें, आज लगता है कि नहीं हो पाएगा। ये जो वर्ड है, इस वर्ड के अलावा एक वर्ड होता है ये भी, इसको भी जानिए, ब्लेंड। ये ब्लेंड जो होता है ये भी आपका नाउन होता है, ठीक है। ये जो है ये तो एडजेक्टिव होता है, ब्लेंड, ये बी एल ए एन डी, ये एडजेक्टिव था, ये बी एल ई ब्लेंड है, वो ब्लांड है। ये आपका इसका मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, ब्लांड मीन्स मिक्सचर होता है, ठीक है। बी एल ए एन डी वो अलग चीज़, ये ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिक्सचर, याद आएगा। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। पॉट प्योरी लिख सकते हैं, पॉट पी ओ टी, पॉट पॉडी पी ओ यू आर आई, पॉट प्योरी मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आप एक वर्ड लिख सकते हो पी ओ खिचड़ी जिसको बोलते हैं, पॉट पॉडी कर दिए भैया, ये हो गया। आप मिक्सचर के लिए बहुत सारा वर्ड ऐसे लिखे, मेडले, एम ई डी एल ई वाई, मेडले मीन्स मिक्सचर होता है, मेडले मीन्स मिक्सचर, बात समझे। ब्लेंड वर्ब भी होता है ना सर, ब्लेंड वर्ब, हाँ। ब्लेंड को हम लोग चाहे तो वर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड विथ, सही ना, मिला हुआ उस सेंस में। तो इसको हम लोग ब्लेंड को वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं, कोई चीज से मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, लिखिए। ये मिक्स करने के सेंस में हम इसको वर्ब भी यूज करते हैं, हो गया। और कुछ बात समझ में? टाइमिंग थोड़ा अच्छा रखिए सिविल कोड का सर, टाइमिंग कितने बजे से रखना चाहते हो करो बोलो, उतने ही बजे से कर देंगे। देखिए आपका जो है एक टाइम आपको बोला ना कि सुबह में हो सकता है 8:30 to 10, दूसरा टाइम आप लोग बोलो क्या टाइम हो सकता है सो, ठीक है। नॉन एब्रेसिव, यस। चलिए आगे हम देखें, एस्ट्यूट वर्ड दिया है, ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन। देखिए सुबह में रखने का एक वजह हम बताते हैं, सुबह में बहुत सारे लोग जो है सिविल कोर्ट वाले आपको पढ़ाने के लिए भी आएंगे, मॉर्निंग सेशन में शाम में नहीं आएंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट से लोग जो है ना छूटता है 6 बजे, तो शाम में पढ़ाने के लिए आ नहीं पाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ा जाए। सुबह में क्या होगा, सिविल कोर्ट के लोग को भी बुलाएंगे पढ़ाने, पटना सिविल कोर्ट में मेरा 15 बच्चा है यहाँ पे, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बुलाऊंगा ना पढ़ाने के लिए, अपने ही स्टूडेंट सबको ला रहा हूँ बुलाने पढ़ाने के लिए, और अपने हाई कोर्ट के कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं उनको बुला रहे हैं। तो मॉर्निंग सेशन में ही रहेगा, मॉर्निंग सेशन में, चूंकि सब लोग आ जाएगा पढ़ा के जा सकता है, इवनिंग में थोड़ा इशू है, ठीक है। तो देखते हैं आपको, या इवनिंग में भी एक बैच कर सकते हैं, एक बैच शाम में शुरू होगा, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया, देखो ये एस्ट्यूट का बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, जो एस्ट्यूट है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है क्या, श्रूड, श्रूड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या है, तेज है, ठीक है, धूर्त है किस चीज में। तो लिखा है कि बिजनेसमैन धूर्त हो जाए या आपका पॉलिटिशियन जो तेज होता है, बात समझो ना। तो ये श्रूड है, काफी अच्छा वर्ड है। एक वर्ड आप लिखिए यहाँ पे, लिखिए इंजीनियस, इंजीनियस है ये, जेनुअस नहीं है, इंजीनियस, ये कॉमा है, ये इंजीनियस, आई एन जी एन आई यू एस, इंजीनियस। ये बहुत ही तेज होता है, तेज तर्रार जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये नैव है, नैव माने सीधा साधा भोला वाला होता है, इसका जो देखो सिनोनिम्स होता है, ये नैव, इसका सिनोनिम्स इधर मैं लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड होगा इसका सिनोनिम्स होता है इंजेनुअस, दोनों वर्ड हमने यहीं पर लिख दिया। इंजेनुअस का मतलब सीधा साधा भोला वाला, और इंजीनियस का मतलब तेज तर्रार। एक और इसका सिनोनिम्स बहुत ही खतरनाक है, अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं, लिखिए जी यू डबल एल आई बी एल ई, गुलीबल। गुलीबल का मतलब होता है सीधा साधा भोला वाला, एडजेक्टिव ही है, उस तौर पे भी यूज करते हैं, बात समझे, बात समझ रहे हो। तो ये याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारे पास सामने एट्रोसियस है, एट्रोसियस, ठीक है। एट्रोसियस क्या है, क्राइम दिया है, एक्ट दिया है, वेदर दिया है। तो अगर आपका क्राइम बहुत ज्यादा एट्रोसियस है, मतलब क्या, एट्रोसियस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट है, शॉकिंग है या क्रूयल है। तो ये एट्रोसियस क्रूयल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्रूयल क्राइम होगा, शॉकिंग है, ठीक है, एक्ट शॉकिंग हो सकता है, और वेदर जो है अनप्लीजेंट हो सकता है, अनप्लीजेंट वेदर यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो वर्ड दिया ना, नैब जो वर्ड है सीधा साधा भोला वाला है, ठीक है, नोवाइस वर्ड अलग है और नैब वर्ड अलग है, समझे, इनएक्सपीरियंस बोलते हैं वो चलेगा। अब देखो ये जो वर्ड है जैसा समझिएगा, इसमें जो है क्या एट्रोसियस दिया है, इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा, क्रूयल होगा वो दिया हुआ है, शॉकिंग दिया है वो एकदम सही दिया है, अनप्लीजेंट भी दिया है वो सही, कोलोकेशन में ये है, एंटोनिम में दिया है एडमायरेबल प्लीजेंट, दोनों अच्छा है, ठीक है, ये एडमायरेबल है, प्लीजेंट है, प्लीजेंट वेदर बोलते ना, बड़ा अच्छा है, खुशनुमा जो वेदर है बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाएगा, समझ आया।
एक वर्ड है जो बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, ड्रेडफुल है। ड्रेडफुल जो है ये इसके लिए यूज कर सकते हैं, एट्रोसियस के लिए। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है अगस्त। ये अगस्त जो है एडजेक्टिव, अगस्त हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में। अगस्त जो है महीना के रूप में नहीं, मंथ के रूप में नहीं, अगस्त। ये याद रखिएगा, ग्रूसम वो लिख सकते हैं, ग्रूसम मर्डर के लिए यूज करते हैं, क्राइम के लिए भी यूज करते हैं, चलेगा। ड्रेडफुल और ग्रूसम लिख सकते हैं, लिखिए। ड्रेडफुल लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ग्रूसम लिखिएगा। अगला लिखिएगा क्या, ग्रूसम अगर लिख लिए, कल हम ये वर्ड बताए थे इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ग्रूसम लिख सकते हैं। अगला वर्ड लिखिए घास्टली, ये भी लिख लीजिए, घास्टली जघन्य अपराध के लिए यूज, क्राइम में यूज करते हो तो ये लिख सकते हो, बड़ा ही खतरनाक, ठीक है। कृष्णमुआरी स्वागत है भाई। चलिए ये अगर अगस्त दिया है, ये एडजेक्टिव है अगस्त का। देखो अगस्त ऑर्गेनाइजेशन, अगस्त बॉडी हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सम्मानित ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, जैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कोर्ट, तो ये अगस्त बॉडी है ये ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रेसिव एंड रेस्पेक्टफुल। आप एकदम याद रखें, ये जो है इंप्रेसिव भी होता है और रेस्पेक्टफुल भी है, अगस्त बॉडी, ठीक है। ये रेस्पेक्टफुल जो है इससे अच्छा आप लिख सकते हो क्या, रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हो या रेस्पेक्टेबल भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि वर्ड्स होता है रेस्पेक्टफुल तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो है रेस्पेक्टेड भी लिखा जा सकता है, रेस्पेक्टेबल भी लिखा जा सकता है, यहाँ चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी चल सकता है। तो क्या लिखें, रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्टेबल, ये यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छा वर्ड जो है इसमें देखिए सोलम दिया, सोलम का मतलब तो सीरियस होता है, सोलम मीन सीरियस। लेकिन अगर आपको सम्मान के रूप में यूज करना है तो बहुत ही अच्छा वर्ड लिखिए, लिखिए रेवर्ड, 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 रेवर्ड मीन्स होता है सम्मानित, रेस्पेक्टेड जिसको आप वर्ड लिखते हो, ठीक है। और हम लोग अपने हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, अगस्त पर्सन नहीं यूज करते हैं, गलत होगा, अगस्त पर्सन नहीं होता है, गलत होगा, अगस्त ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है अमन, अगस्त ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, अगला जो वर्ड है रेवर्ड के बाद आपको लिखना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हाई कोर्ट को हम बोलते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, आप लिखेंगे ऑनरेबल, क्या लिखेंगे ऑनरेबल। और जब ऑनरेबल आप लिखोगे तो एक वर्ड आपने सुना होगा, लिखिए वेनरेबल, वेनरेबल, वेनरेबल हाई कोर्ट, ये काफी अच्छा है, लिख लिया ऑनरेबल। उसके बाद आपको लिखना है वेनरेबल, ऑनरेबल के बाद देखिए ये वेन रेवर्ड है, ऑनरेबल है, वेनरेबल है, ठीक है। इसका उल्टा जो दिया है नन इंटिटी, नन इंटिटी का मतलब होता है तुच्छ, नन इंटिटी का मतलब तुच्छ, सही है। तो ये आपको एडजेक्टिव के रूप में लिखना है, तो आप लिखिए क्या, जो मिनिस्कूल होता है, मिनिस्कूल माने तुच्छ, साइज में छोटा, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल लिख लिए तो आप लिख सकते हैं मिनिस्क्यूल के बाद ये एल है भैया, यू के बाद मिनिस्क्यूल है, या आप लिख सकते हो क्या, अगर बहुत छोटा साइज में तो माइन्यूट, जिसका कोई इज्जत उज्जत नहीं है, ये नन इंटिटी है। आप लिख सकते हैं तुच्छ में क्या, मीन, मतलब बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, नन इंटिटी का मतलब नन एग्जिस्टिंग, बहुत अच्छे। नन इंटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, लिखिए नन एक्सटांट, नन एक्सटांट का मतलब होता है नन एग्जिस्टिंग, ई एक्स टी एन टी, नन एक्सटांट लिख लिए, ये होता है नन एक्सटांट का मतलब नन एग्जिस्टिंग, वो मतलब ये समझिए कि इसका रहना ना रहना बात बराबर है, नन एग्जिस्टिंग है ये, बात समझ रहे हो। मिनीचुअर का मतलब होता है बहुत छोटा साइज में, खासकर ये आर्ट में यूज करते हैं। डेफरेंशियल जो होता है इसके लिए यूज करते हैं, डेफरेंशियल जो है सिनोनिम्स होगा किसका, रेवर्ड का, डेफर से बना, डी ई एफ ई आर, डेफर मीन्स टू रेस्पेक्ट, और डेफरेंशियल का मतलब डी ई एफ ई आर ई एन टी आई एल, डेफरेंशियल जो आप लिख रही है, ठीक है। निधि जो वर्ड लिख रही थी वही बोल रहा था डेफरेंशियल, अच्छा वर्ड है आप लिख लेंगे डेफरेंशियल, डी ई एफ ई आर ई एन, डेफरेंशियल लिख लिया, डेफरेंशियल, डी ई एफ ई आर ई, ठीक है, डेफरेंशियल, ये वर्ड बहुत ही सुंदर है आप लिख लेंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला हमारे पास है, ये नंबर है आपका, देखो ये आपका लिखा है एवीड, लिखा है एवीड का मतलब समझते हैं आप लोग, एवीड, एवीड रीडर, आपने जरूर सुना होगा एवीड रीडर। तो एवीड अगर रीडर है मतलब क्या, कि जो बंदा है वो आपको बता दें, एवीड अगर रीडर दिया है मतलब जो बंदा है उसको पढ़ने लिखने का बड़ी शौक है, ठीक है, बहुत ही इंथुजियास्टिक है। बहुत लोग जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनको खूब पढ़ने का इच्छा रहता है, खूब पढ़ता लिखता है, माँ बाप को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनको कितनों भी गरियाओ कोई मतलब नहीं, नहीं पढ़ेगा, पास मरो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गरियाने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं, पता है, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। जैसे आप लोग भी कम थोड़ी हो, आप लोग भी बड़े हो गए हो, सिर्फ नाम के बड़े हो, काम के थोड़ी बड़े हो, आप लोग को भी गरियाना पड़ता है तभी आप लोग पढ़ते हैं। चलिए वर्ड जो है हमारे सामने है वो देखिए, एवीड है वर्ड, और एविड का मतलब क्या है, ये होता है कीन, कीन का मतलब होता है क्या, जो
उत्सुक बच्चा होता है, उत्साहित बच्चा होता है, अबाउट देखो एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। अब देखो इसके लिए कल हमने एक वर्ड बताया था जील, जील नाउन होता है और जी लॉट ये एडजेक्टिव होता है, जील से जी लॉट, ठीक है ये हुआ एविट, बात समझ में आया। तो ये देखिए ये हम यूज करते हैं कोलोकेशन में दिया है, ये नाउन है रीडर, और प्रीपोजिशन में लिखा है कि एविट फॉर समथिंग, और एविट फॉर समथिंग है मतलब आपको किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है इस सेंस में यूज करते हैं। तो एविट एक एडजेक्टिव होने के नाते ये लगाव हो तो या लालच हो उस सेंस में भी चलता है, तो लस्ट फॉर इस सेंस में यूज कर सकते हैं, बात समझे। जिलॉट का मतलब कट्टर भी होता है, रेडिकल के रूप में भी यूज करते हैं लेकिन इस रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। अगला दिया है इनडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन, हम जानते हैं इनडिफरेंट टू होता है, इनडिफरेंट टू का मतलब क्या कि उदासीन भावहीन, जो लोग नहीं जानते आप जाने इनडिफरेंट टू मतलब उदासीन है आप, ठीक है। और वो उदासीन है तो मतलब एक वर्ड आपको याद होगा एपैथेटी, ठीक है एपैथी टू, बात समझो ना। तो एपैथी टू जो है ये हम यूज करते हैं नाउन फॉर्म में ज्यादा चलता है, ये याद रखना, बात समझो ना। अगला जो वर्ड है इनसेंसिटिव टू, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है वो इनसेंसिटिव से अच्छा लिखिएगा अनविलिंग टू, आप अनिच्छा वाला वर्ड है तो ये अनिच्छा में ऐसे लिखेंगे, बात समझो। इनडिफरेंट टू, एपैथेटिक टू लिख सकते हैं, लोथ टू लिख सकते हो, इम्परवियस टू भी होता है, लिखिए ये वर्ड जो है थोड़ा इसको ये नाउन फॉर्म है या चेक कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है इसको एपैथेटिक कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला हमने एक वर्ड बोला, एक बच्चा बोला कि सर ये लिख दो लोथ टू, ठीक है लोथ, ये लोथ जो है लोथ टू ये वाला होगा स्पेलिंग, लोथ टू ये वाला स्पेलिंग होगा कि एल ओ ए टी एच होगा, दो लोथ होता है, एक होता है आपको लोथ एल ओ ए टी एच ई, लोथ माने होता है वर्ब, ये होता है घृणा करना, और एक होता है एल ओ ए टी एच, ठीक है वो होता है हमको क्या चीज एल ओ टी एच, ये वर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा लोथ जो होगा ये वाला स्पेलिंग होगा, यही तक रह जाएगा लोथ टू। ये जो वर्ड है अगला जो है इम्परवियस टू होता है, अगला वर्ड हमारा एक और अभी बच्चा है बचाया कि नहीं सर ये भी आप लिखो तो लिखो रिलेक्टान टू, ऐसे ये सब बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथ पढ़े हैं, हमारे ही साथ बड़े हुए हैं, तो ये वर्ड्स उनको याद है, एक रिविजन के रूप में अच्छा चल रहा है उनका, ठीक है बात समझ में आ गया, ये एकदम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है देखो अगला वर्ड है एविडिटी, ये नाउन फॉर्म बना है यहाँ से एविडिटी, सही है ना। तो देखो यहाँ इगरनेस हो गया, इसी का नाउन फॉर्म बना दिया इगर, इगरनेस, ठीक है ऊपर में अगर अगर ये एपैथी जो है ना वर्ड इसका उल्टा लेना हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अपोजिट। चलिए अगला वर्ड है एविडली, ये एडवर्ब फॉर्म है एडजेक्टिव प्लस एलवाई, कोई भी चीज़ अगर आप क्या करते हो टू रीड एविडली, ये एडवर्ब, और कोई भी चीज़ बड़े उत्सुकता से पढ़ते हो तो ये होगा टू रीड एविडली, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव है, ऑटोक्रेटिक क्या होगा रूल हो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये ऑटोक्रेटिक निरंकुश बोलते हैं, ये कहते हैं ना निरंकुश शासन चल रहा है, निरंकुश शासन, तो ये ऑटोक्रेटिक है। अगला आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता था, समथिंग डेट वर्क्स ऑप्रेसिवली विदाउट लिसनिंग टू अदर्स, कुछ ऐसे भी शासन प्रशासन है जो ऑप्रेसिवली चलता है मतलब दमनकारी होता है, दमन कर देता है, कुचल देगा, कुछ भी बोलिएगा तो आपको दबा दिया जाएगा, तो ये दमनकारी जो शासन प्रशासन है उसके लिए, शासन प्रशासन के लिए रूल और एडमिनिस्ट्रेशन, उसी को कहते हैं ऑटोक्रेटिक रूल, मिलेगा आपको। दूसरा वर्ड जो है हमारे पास डिस्पोटिक है, सही है डिस्पोटिक शासन का मतलब जो शासन जो होता है बड़ा ही क्या हाई हैंडेडली क्या हाई हैंडेड आपको काम करता है, सही है जो कुछ उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, डिस्पोटिक रूलर, ठीक है। तो डिस्पोटिक के बाद एक और खतरनाक वर्ड है जो हमेशा आपको पूछता है, टायरेंट लिखे हैं तो टायरेंट से आपको पढ़ना होगा टायरेंटियल, टायरेंट ना देखे या एडजेक्टिव फॉर्म देना पड़ेगा, और एडजेक्टिव फॉर्म के लिए क्या पढ़ना है ये जो है ये आप लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या आप लिखोगे क्या एडजेक्टिव फॉर्म के लिए टेक्निकल, ये लिख सकते हैं। एक बड़ा ही खतरनाक वर्ड है लिखिए डिक्टोरियल, डिक्टोरियल ये आपको डिक्टोरियल जो होता है उसके लिए यूज कर सकते हो, डिक्टोरियल लिख लिया, डिक्टोरियल लिख लीजिएगा। अब देखो ये जो वर्ड है ना ऑटोक्रेट दिया है, ऑटोक्रेट जो है ये पर्सन होता है व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ऑटोक्रेट मतलब क्या होगा निरंकुश शासक, उसको ऑटोक्रेट कहते हैं, सही है। शनि प्रसाद खुश रहो, सभी लोगों को आशीर्वाद है, मस्त रहिए व्यस्त रहिए मेरे साथ। अगला वर्ड है हमारे पास ओडिशियस, ओडिशियस जो एडजेक्टिव है इसका पहला आपको देखिए पहला क्लोकेशन ओडिशियस डिसीजन या प्लान, आपका जो डिसीजन या प्लान होगा ओडिशियस होगा, ये एडजेक्टिव है, ये ओडिशियस अगर दिया है मतलब क्या बड़ा ही जिद्दी वाला होगा, सही है, और जिद्दी के साथ साथ आपको क्या होगा देखिए बोल्ड एंड रिस्की भी होगा,
ठीक है, आपने क्या किया, ऑडिशियस आपका क्या था, प्लान था या आपका डिसीजन था, ये आपका जिद्दी वाला है और इस जिद्दीपन के कारण ये क्या हो गया, बोल्ड और इसकी भी है। बात समझो ना, श्री चरणों में गंगापुर की धरती से, अरे खुश रहो बच्चा, गंगापुर की धरती से कहाँ, हमारे धरती से आ गए हो भाई। चलो अगला वर्ड देखो। हाँ ये ऑथोरिटेरियन भी लिख सकते हैं, ऑथोरिटेरियन वो वर्ड भी लिख सकते हो इसके लिए, किसके लिए, यहाँ लिख लीजिए, जब बच्चे बोल रहे हैं तो लिखिए ऑथो रिटेरियन, ये वर्ड भी है। ऑथोरिटी से माना जो हुक्म चला रहेगा, मेरा ही चलने वाला है या किसी का नहीं चलता है, समझो। ऑडिशियस जो पहले ये वाला देख लीजिए, डिसीजन प्लान वाला, ये बोल्ड और क्या हो गया भैया, रिस्की हुआ, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए अगला अगला ऑडिशियस जो है, देखिए मैनर भी होता है इस सेंस में, देखिए मैनर हो या बिहेवियर हो, ऑडिशियस मैनर और बिहेवियर किसी बच्चे का है ना, तो वो उदंड वाला होता है, उदंड, समझ लो ना। बात समझ में आया, तो देखिए ये ध्यान से समझिएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑफलाइन आरा आ सकते हैं, ऑफलाइन आरा आ सकते हैं, आरा से आ सकते हैं, आ जाना आरा से यहाँ पढ़ने के लिए, मैं आरा थोड़ी आऊंगा, अरे गजब बात है। चलिए देखिए ऑडिशियस मैनर और बिहेवियर क्या होगा, रूड एंड ऑफेंडिंग। तो ये जो आपको जो है रूड बिहेवियर जो होता है उदंड वाला, उदंड के लिए आपको हमने बताया था कुछ वर्ड्स, लिखिए इम्पूडेंट, इसी के सिनोनिम से ऑडिशियस का उदंड, इम्पूडेंट मतलब उदंड होता है, जैसे ना इनका उदंड वाला बिहेवियर है, सही है ना, उदंड, ये उदंड लिख लिए हिंदी वाला। आप लिखेंगे इम्पूडेंट बच्चा, अगला एक लिखा है इंसोलेंट, इंसोलेंट बच्चा है, ठीक है इंसोलेंट बच्चा है, लिख लिया इम्पूडेंट और इंसोलेंट, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारा, सो देखिए लिखाया हुआ था सिनोनिम से यहाँ पे, फिर भी मैंने वहां लिखने की कोशिश की, तो इम्पूडेंट और आपका क्या था साथ में था, चले तो इम्पूडेंट तो हम लिख ही दिए, फिर भी बढ़ते हैं आगे। चलिए तो इम्पूडेंट हो गया। अगला आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इम्पूडेंट इंसुलेंट लिख ही दिया था ना, फिर लिख देता हूँ इंसुलेंट, लो। और एक वर्ड हमारे पास है इम्पर्टिनेंट, बच्चा जो है बड़ा ही बदतमीज है, इम्पर्टिनेंट बातें करता है, सही, इम्पर्टिनेंट बच्चा है, उदंड ही है साथ साथ ये क्या बदतमीज भी है। लाइक बढ़ते ही मल्टीपल आईडी, सब लोग अपने अपने दोस्त दुश्मन बाबू संस सबको बोलो कि लाइक करने, हाँ ये बात समझ में आ लीजिए कि सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक का संख्या बढ़ा दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कराइए, नहीं कराते हो तो आपकी गलती है, सामने वाला मेहनत कर रहा है और आप लोग अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो कर ले जीवन में, कुछ नहीं तो समझ लो ना, कुछ ना करो तो बेगाड़ी कर लो, हमारे यहाँ कहा जाता है, अगल बगल वाले का मोबाइल लो, अरे भाई मोबाइल दे, एक चैनल को सब्सक्राइब करना, करा दो सब्सक्राइब, बात खत्म यार, देख लेना अंग्रेजी मास्टर ठीक ठाक पढ़ाता है, तैयारी क्या चीज़ की कर रहे हो, रेलवे की, अरे नहीं रेलवे छोड़ दो, अब बिहार सिपाही वाला भी छोड़ दो, अब चलो सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, सही है, अरे बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, इस चैनल पे अंग्रेजी पढ़ लेना, रेगुलर शिप देखते रहना, कुछ ना कुछ आ जाएगा अंग्रेजी, ठीक है, सिविल कोर्ट में कुछ ना कुछ तो मार के आ ही जाओगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ तो मर ही गए होगे, सही है ना। तो आप लोग सभी लोग सिविल कोर्ट का चपरासी का भी फॉर्म जरूर भरिएगा, जो भी लोग हैं मैं बताता हूँ, इस वक्त जो है ना आपकी नौकरी जरूरी है, इसलिए प्यून का भी फॉर्म भरिएगा, अगर पीटी हो गया तो इंटरव्यू बहुत छोटा सा चीज़ है, आपके प्रेजेंस पे ही 4 नंबर मिलने को है, खाना बनाना आएगा उस पर मिल जाएगा नंबर, ठीक है, गार्डनिंग आएगा उस पर मिल जाएगा, कुछ तो कर लोगे। और हाई कोर्ट में देखिए या सिविल कोर्ट में कोई भी पोस्ट पे हो, कौन पूछने जाता है, ये पूछने जाता है कहाँ काम करते हो, हाँ तो भाई सिविल कोर्ट में काम करते हैं, कहाँ काम करते हो, हाई कोर्ट में काम करते हैं, ये किसने पूछने गया कि आप कलर को पीओन है, कौन है, चपरासी हो, ये कितने करे, बात समझ लो ना। तो चलिए क्या है सर, फॉर्म का फी बहुत ज्यादा है, तो आप फॉर्म का फी बहुत ज्यादा है तो आप अपनी औकात के अकॉर्डिंग फॉर्म भरो ना, अपना औकात देखो कि मैं डिस्क्रिप्टिव लिख सकता हूँ कि नहीं, एसे लेटर ये आप लिख सकते हो कि नहीं, आपको बता देते हैं क्या डिस्क्रिप्टिव का फॉर्मेट होगा, पता है आपको, आप लोग पागल हो जाओगे, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, अभी फॉर्म तो भरने दो बच्चों को, मैं कुछ नहीं, नहीं मतलब अपने तरफ से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे अपने बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूँ, अगर आपकी औकात नहीं है लिखने की, राइटिंग स्किल नहीं है, तो आप क्लर्क मत भरिएगा, चूंकि इस बार बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है, चूंकि आपको लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और उसके बाद इडियम्स जो है, इडियम्स का आएगा आपको सेंटेंस में बना के लिखने के लिए, सेंटेंस में यूज करने आएगा इडियम्स को, बता देता हूँ, तो अगर आपकी औकात नहीं है तो आप फॉर्म मत भरना कलर का, तब आप चपरासी भरो सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद दूसरी तैयारी करते रहो, दूसरी तैयारी में तो एसएससी भी देते रहना, वो अलग चीज है। डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक पढ़े जो आप पढ़ रहे थे ना पहले,
जो आप पढ़ रहे थे किसके लिए, सीएचएसएल के लिए? पास मारो, इसमें तो हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे भाई, पास मारो ना। टाइम जो है मॉर्निंग का टाइम है, आप आराम से ट्रेन पकड़ के आइएगा, पढ़ के चल जाइएगा देवनायक। सुबह आप जाइए 7:30 बजे तक आ जाइए, आराम से पढ़ के चल जाना। एस्ट्रोनो का सिलेबस मैं ही समझाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोनो का सिलेबस बेकार समझने की कोशिश कर रहे हो। उससे आप चपरासी भरो ना तो क्लर्क भरो। बात तो देखो, रिटेन एग्जाम चाहे एस्ट्रोनो दो, चाहे टाइपिस्ट दो, रीडर दो, रिटेन सबका एक ही है। आपको क्या करना है, या तो इंटरव्यू में अपियर हो जाइए, सबसे अच्छा है, वो आपको क्लर्क का सिलेबस है। बढ़ू, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा कोटियस दिया, बिना आपको, ये तो हमने अभी तुरंत बताया, बहुत सारा वर्ड लिखे। जेनियल ऑलरेडी हमने लिखा है, जेनियल। अगला हमने लिखा था कॉर्डियल, आपको अगला वर्ड हमने लिखा था क्या सही, किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, ग्रेसियस बिहेवियर भी लिखा जाता है, ग्रेसियस, ठीक है। अगला आपको वर्ड लिखना है तो फ्रेंडली, और फ्रेंडली के सिनोनिम्स आप अच्छे से जानते हो। फ्रेंडली, फ्रेंडली के लिए आप एफेबुल है, एमिकेबुल है, एमिएबुल, ये दे सकते हो। अगला ऑडिसिटी का मतलब क्या होता है, कि आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, सही ना, आप मतलब आपकी जो इतनी हिम्मत कैसी हुई, तो वो जो वर्ड है वो जरा देखे। ये कैवेस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ना, कैवलर्स, कैवलर्स जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं जब खासकर विमेन के साथ कोई बड़ा अच्छे से पेश आता ना, विमेन के साथ और साथ बड़े अच्छे से बातचीत करता है, बिहेव करता है, उसके लिए यूज करते हैं कैवलर्स। लिख सकते हैं हम्बल भी लिख सकते हैं, हम्बल ज़्यादा अच्छा वर्ड है, लिख सकते हो हम्बल, इनका बिहेवियर काफ़ी हम्बल है। और ये भी आप वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कैवलर्स, ये जो वर्ड है ये आपको खासकर औरत के साथ, लेडीज के साथ अच्छे से पेश आते हो ना, अरे अच्छे से बिहेव करते हो, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन अच्छे से तो पेश आए सर, कोई तो बुक पोस्ट लेगा ही, फिर हम क्यों ना ट्राई करें। हाँ प्रियंजन, आप तो भरो, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ऑडिसिटी के बाद, टू हैव द ऑडिसिटी टू डू समथिंग, टू प्लस वी वन, कहते ना तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई, जुर्रत, देखिए ऑडिसिटी का मतलब जुर्रत, अरे तेरे को इतनी जुर्रत कैसे हुई हमारे, समझो ना, हमारे वीडियो पे कमेंट करने की। कल एक बच्चा था ना, जुर्रत, तो आप इतनी जुर्रत मत कीजिएगा हमारे यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट करने का, सही है ना। ऑडिसिटी मत रखिएगा, नहीं तो आपको होंडा सिटी से आपके घर भेज देंगे आपको, ठीक है, लिख लीजिए। तो अपना जुर्रत जो है अपने पास रखना, जुर्रत भी मत करना, जुर्रत माने समझते हो ना, जुर्रत माने क्या, हिम्मत, वो भी जोरदार वाला, ठीक है। चलिए अगला हमारा दिया एटेन्यूएट, ये वर्ब है। एटेन्यूएट का मतलब होता है टू लेसन द इफेक्ट और वैल्यू ऑफ समथिंग, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ाया था, अभी जब आया था ना, मिटिगेट आया था या एबेट आया था, ABAT, एबेट, वहां पे ये वर्ड आया था, बस मानो ना। तो ये आपको देख लो, ये जो हमारा वर्ड है ना एटेन्यूएट, ये होता है किसी चीज का वैल्यू करना कम, या इफेक्ट को कम करना होता है। जैसे वर्ड्स आपके पास थे, अभी हम रिपीट करूंगा, लिखूंगा नहीं, मिटिगेट है, आपको याद होगा, गेट, एबेट, ABAT, एबेट, कम करना, समझो ना, ये बेहतरीन वर्ड है, सही है। अच्छा होंडा सिटी से क्यों भेजिए, अगर अबे इज्जत तो देनी पड़ती है ना, जब इसको हम भगा ही रहे हैं तो होंडा सिटी से भराएंगे। तो देखिए वर्ड्स आ रहा है सामने में, एमेल्योरेट, LA, AAAY, LA, टू LA द फियर, कम करना, बात समझ रहे हैं। तो कम करने के लिए जितना भी वर्ड होता है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्टाउंड है, ये इधर देखें, डिफिनेशन है टू सरप्राइज ग्रेटली, सही है, किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हो, आश्चर्यचकित करना। वर्ब फॉर्म में दिया, अगर ये वर्ब फॉर्म में दिया है तो ये भी वर्ब फॉर्म है, टू एस्टोनिस, एडजेक्टिव फॉर्म नहीं देखेंगे, वर्ब फॉर्म ही देखेंगे, समझो, जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में हम बात करेंगे, बात समझे, जिस रूप में दिया। हाँ कल भी हुआ था एमेल्योरेट, अरे भाई आप लोग का लाइक वाइक बहुत कम है, बच्चे उच्चे बहुत कम देख रहे हैं, खैर रहने दो, क्या करें, आज लोग बच्चे लोग की दुनिया ना खत्म हो गई है, ठीक है। 78 लाइक्स ओनली, बट उससे कोई घबराने की बात नहीं है, चलिए बढ़ेंगे। ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपका वर्ब फॉर्म में, बहुत सारा वर्ड आपको हमने पहले भी पढ़ाया है, जैसे बैफल है, याद होगा आपको, एस्टोनिश दिया है तो आप लिख सकते हो, अमेज लिख सकते हो, बहुत सारा वर्ड हमने पढ़ा दिया है एडजेक्टिव फॉर्म में, ढेर सारा वर्ड्स हमने पढ़ाया, सही है। आज मैच देख रहा है, मिलते हैं न्यू आईडी से, कोई बात नहीं है। देखिए अब जो दिया ना, ये ध्यान समझिए, बैफल है, अमेज है, और भी जितने भी आपको आश्चर्य वाले वर्ड है सब के सब आप लिख सकते हैं, बस मानो ना, सब के सब लिख सकते हो, एस्टोनिश, बैफल, अमेज, पजल, ढेर सारा वर्ड है, पहले भी हमने बताया पजल, ढेर सारा वर्ड, उस वर्ड्स पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग जरा इसके एडजेक्टिव फॉर्म में, वो भी एडजेक्टिव फॉर्म जो है भाई, ये आपको पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। जब ये एस्टाउंडेड होता है तो एक
अलग है, आश्चर्य जो होता है निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन एस्टाउंडिंग अगर रहे ना, एस्टाउंडिंग वो एडजेक्टिव में नहीं जाएंगे, V3 में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अगर एस्टाउंडिंग हो जाए तो ये पॉजिटिव है। एस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस या सक्सेस का मतलब होता है कि जबरदस्त, पॉजिटिव सेंस में जबरदस्त सफलता, ठीक। तो लिखा है कि सरप्राइजिंग इन ए प्लीजेंट वे, जब आपकी सफलता जबरदस्त मिलती है ना, उसको बोलते हैं एस्टाउंडिंग, नहीं बोलते आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड एस्टाउंडिंग। लिखिए, सिनोनिम्स में एस्टोनिशिंग लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, जो आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस होता है, आउटस्टैंडिंग ये रहेगा, समझो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये अच्छा रहेगा, समझो ना, बात समझ में आना। चलिए आगे देखिए, तो ये देखिए, ये आप करा, अगर कुछ लोग बोलता है कि सर शानदार, तो उसके लिए स्प्लेंडिड है, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या है ना, ये आपको स्प्लेंडिड होता है, करा है, बड़ा ही शानदार रहा है इनका जीत। और इसी स्प्लेंडिड से एक बड़ा खतरनाक सा वर्ड बनता है, स्प्लेंडी, देखिए स्प्लेंडीफेरस, ये भी वर्ड लिखेंगे, स्प्लेंडीफेरस। स्प्लेंडिड तो सब जानते हैं, आप लिखें स्प्लेंडीफेरस, शानदार, पास मारो, स्प्लेंडीफेरस। ये आपका, अगर आप फैंटास्टिक और फैबुलस दोनों को अगर जोड़ देते हो, फैंटास्टिक एंड फैबुलस, समझो ना, तो अगर आप इस दो वर्ड को जोड़िए, फैंटास्टिक आपने सुना होगा, फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक को जोड़ दीजिए किसके साथ, तो आपके पास है फैबुलस। इन दोनों वर्ड को अगर जोड़ा जाए तो अभी एक न्यू वर्ड का, समझो ना, न्यू वर्ड को क्वाइन किया गया, अ न्यू वर्ड हैज बीन क्वाइंड, मतलब एक नए वर्ड को जन्म दिया गया, बनाया गया। तो उस वर्ड का नाम क्या है आपको पता है? तो इस वर्ड को आपको लिखिए, दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है समेशन, उस वर्ड को देखिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। इस दोनों वर्ड को जोड़ने के बाद देखिए, फेंटा, ये फेंटा आप लिखेंगे, फेंटा, ये लिख लिया फेंटा, तो फेंटा अरे ये लोग क्या करते हैं, केवल इंडिया में खेलेंगे, समझ रहे हो, और जैसे ही इंडिया से बाहर जाते हैं ना, बगल में चल जाए दुबई, बस इनका क्या था, धूम जो होता है हिल जाता है, धूम जो है दुबई में जाके हिल जाता है। साउंड नहीं आ रहा है, अबे साउंड तो आ ही रहा है, किसको साउंड मेरी नहीं आ रही है? तो देख लीजिए, तो ये जो दिया ना, साउंड प्रॉब्लम है, किसको आपको साउंड प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज कर दूँ, साउंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या, बात समझे? तो ये देख लो, मैं थोड़ा सा जीएस डाला और सीजीएल का सिलेबस निकल गया, एकदम सही बोल रहे, अब आ रहा है, क्या प्रॉब्लम होती है साउंड की, मारना पड़ेगा इसको। चलिए अब आ गई, अब जरा सुनिएगा एक चीज, कि शॉकिंग परफॉर्मेंस है इनका, बड़ा ही घटिया परफॉर्मेंस है, मन करता है जूता खोल के ना मारूं सबको, ठीक है, हार जाते हैं जा। हेलो, अब सही हो जाना चाहिए, साउंड की इशू थी मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू था। हेलो, अब सही है, अब सही है, आप ठीक है, देख लो अच्छे से। तो अगेन साउंड कट, अब कहाँ कट हो रही है। हेलो, चलिए आज थोड़ा सा क्या हो ना, थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है तो कुछ गड़बड़ हुआ था, हम थोड़ा सा उसको ठीक ठाक किए हैं, एक बार ऑफ करके। हेलो, अब सही है, चलिए भैया आ गए, रावण जी आइए। अगला देखिए, तो शॉकिंग के लिए आप वर्ड लिखिए एबिस्मल परफॉर्मेंस, इंडियन टीम की जो ना एबिस्मल परफॉर्मेंस रहती है, ये लोग पागल लोग हैं, ये लोगों को जितना पैसा मिलता है ना, सच बता देते हैं, जितना ये लोगों को पैसा मिलता है इंडियन टीम, लैकेडाइजल का मतलब वेरी पुअर लिख सकते हैं, एबिस्मल परफॉर्मेंस के साथ जितना पैसा मिलता है, लैकेडाइजिकल, देखिए LAC के लैक, लैक माने कम, लैक के लिखे, लैक के हो गया, डाइजिकल DA, देखो DAI, लैके डाइजिकल SICL, लैके डाइजिकल लिख लिया, लैके डाइजिकल परफॉर्मेंस आप लिख सकते हो, साउंड नहीं है,
देवनायक साउंड आ चुका है। अगला वर्ड हमारे पास है एस्यूज। ये एस्यूज जो है इसमें देखो हंगर, ग्रीफ या विश, अगर भूख है तो उस भूख को भी कम करने के लिए यूज करते हैं। और आपके पास अगर कोई क्या है ग्रीफ है, ग्रीफ का मतलब समझते हो, अगर कोई आपको क्या है ग्रीफ है यानी क्या है आपको जो कोई कष्ट है पीड़ा है उसको कम करने के लिए, बात समझे। नेक्स्ट वर्ड है विश। विश का मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई इच्छा है जो आपको पूरा नहीं हो पाए कम करने के लिए, तो उसको कम करना शांत करना। देखिए ईज है या काम डाउन, सही रहा, उसको कम कर देना, शांत हो भैया, सही है। अब देखिए अब जो वर्ड है हमारे पास एपीज है। एपीज का मतलब होता है टू सेटिस्फाई, एपीज का मतलब सेटिस्फाई होता है, या आपको जानते हो एपीज का मतलब सेटिएट होता है, तुष्टिकरण करना, एपीजमेंट पॉलिसी। और अगर हंगर किसी को है तो आपको बोला टू एपीटाइट द हंगर, ठीक है। ये जो जो चीज है वो देखिए, अब जो हमारा जो एपीटाइट माने क्या होता है, एपीटाइट का मतलब क्या होता है सो बताइए। एपीटाइट माने भूख होता है, एपीटाइट फॉर समथिंग, टू एपीटाइट द हंगर कैसे बोल दिए, हंगर है तो उसको हम कम करने के लिए बोलते हैं, जब आपकी क्या भूख को मिटाना है तो बोलते हैं सेटिस्फाई या सेटिएट, ठीक है। नहीं एपीटाइट का मतलब नहीं होता है, एपीज का मतलब होता है खुश करना। खुश करना किस सेंस में, आपको अगर कोई चीज की जरूरत है भूख लगी है दे दिए खा लिए तो खुश हो गए, समझे। तो देखिए ये चीज में होता, अलग अलग वर्ड है। अब देखो हंगर के लिए एपीज लिख सकते हैं, हंगर के लिए बेस्ट वर्ड हम लिखते हैं क्या चीज, सेटिस्फाई या सेटिएट, सबसे अच्छा होता है सेटिएट। एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं जो कष्ट है पीड़ा है ग्रीफ हो या सफरिंग हो उसको कम करने के लिए मिटिगेट यूज करते हैं, मिटिगेट ऑलरेडी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। या हम यूज करते हैं एवेट यूज करते हैं, अगर पूछे कोई तुमसे कि प्यास को क्या करते हैं तो प्यास बुझाना होता है, और प्यास बुझाने के लिए जो वर्ड आपको हमने ऑलरेडी बताया है वो होता है टू क्वेंच। दो वर्ड यूज करते हैं, टू क्वेंच यूज करते हैं मेरे भाई, या दूसरा वर्ड लिखते हैं स्लैक, SLAKE, स्लैक, क्वेंच द थ्रस्ट या स्लैक द थ्रस्ट लिख लीजिए, ये आपको प्यास बुझाने के लिए नाउन है, ये आपको वर्ब कोलोकेशन, क्वेंच थ्रस्ट या आपका लिखेंगे क्या ये देख लीजिए ध्यान से अच्छे से, या हम दूसरा वर्ड लिखेंगे क्या स्लैक, SLAKE, स्लैक थ्रस्ट, बात समझे। कष्ट पीड़ा सफरिंग है तो मिटिगेट लिखेंगे, एबेट लिखेंगे, बात समझ में आया। ये सब आप जान लो, अगर कोई मानो क्या डर भय है तो हम क्या लिखेंगे, जो आपका डर और भय है तो उसको क्या करते हैं टू क्वेल द फियर, इंडियाज फाइनली रिवोक इस एपीजमेंट पॉलिसी आफ्टर न्यू गवर्नमेंट, यस। तो ये एपीजमेंट पॉलिसी का मतलब होता है तुष्टिकरण का जो पॉलिसी है उसको खत्म करना, अरे वो आपने रिवोक लिखा है इसलिए। अगला है आपका वर्ड एग्रावेट, ऑलरेडी हमने एग्रावेट का सिनोनिम्स लिखा दिया है, बदतर बनाना होता है, बदतर करना, वर्सेन, पहले ही हमने फर्स्ट सेशन में बताया इसी में जब हमने वोकेबुलरी वैक्सीन का पहला सेशन लिया था, आप देख लेंगे उसमें। तो ये आपको याद रखना है कि एग्रावेट मतलब वर्सेन होता है, वर्सेन का मतलब होता है बदतर बनाना। और आपको हमने ये भी वर्ड सिखाया था साथ में ही कि एक वर्ड होता है एग्जास्पेट, एग्जास्पेट का स्पेलिंग होता है EXACERBAT, एग्जास्पेट। आपको हमने यहीं पे बताया था कि आप एग्जास्परेट का भी यूज कर सकते हो, एग्जास्परेट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एग्जास्परेट, ऐसे एग्जास्परेट का मतलब गुस्सा दिलाना भी होता है, एग्जास्परेट आप ये भी लिख सकते हैं। आपको हमने सिखाया था कि अगर अगर आपको समस्या है तो अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यूज करते हैं टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, लिख लीजिए टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, जल्दी टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, भड़काने के लिए एग्जास्परेट यूज करते हैं, सही बोले हो सनी, तो लिखिए टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, ये लिखिए टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, ये याद रखिए प्रॉब्लम को हम कंपाउंड करते हैं समस्या को। तो ये आज का रहा वोकैबुलरी वैक्सीन, कैसा लगा आप लोग को एक बार जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा, बाद में अभी तो जो लिखना लिखिए, लेकिन आप लोग सभी लोग बाद में भी कमेंट में लिखेंगे कि ये जो वोकैबुलरी वैक्सीन चल रहा है ये कैसा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर लेंगे वोकैबुलरी वैक्सीन, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा है क्या कि जो CSSL का जो सेट चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और ये सेट हम लोग कब कितना तक किए थे, 16 तक कर लिए थे और 17 आपके सामने है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, बात समझे। मैं हर वीडियो पे लिखता हूँ कमेंट, हाँ सभी लोग जितने भी वीडियोज हमारे हैं सभी आप लोग जितना देखते हो ना, अगर 27-27 भी कमेंट हो जाए हर वीडियोज पे, कम से कम इतने कमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ हमारा कम्युनिटी पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट मतलब समझते हो, कम्युनिटी पोस्ट जो है अभी यूट्यूब पे खूब चला हुआ, वो फेसबुक पोस्ट की तरह होता है, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ भी आप लोग लाइक किया करो कमेंट किया करो अच्छा लगेगा, ठीक है। वहाँ पे भी करते रहते हो करते रहो, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे सामने है आपका
17 नंबर, मतलब आपको 50 क्वेश्चन कराने और रैपिड फायर में कराने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पैराजंबल्स। सही मेरे भाइयों, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपके सामने है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको हमने बताया 50 क्वेश्चन के साथ है हम लोग, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर जो है 17 था, CHSL वाली, CHSL 19 की, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन में शुरू हो जाए, आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है। ऑप्शन नहीं हुआ तो हम ऑप्शन लिख देंगे, लेकिन आपको आंसर बताना है। सुपर क्लास, ठीक है। थोड़ा हम पानी वानी पी लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना पढ़ाएंगे, कितने देर पढ़ा दिया पता है आप लोग को? मैं ऑलरेडी आप लोग को 1 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ा दिया हूँ। 1 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी तक हमने कुछ लिया भी नहीं, मतलब पानी तक नहीं पिया, तो कुछ तो बनता है ना, पी लेना। तो शुरू हो जाइए। आपको ऑप्शंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सो बता दीजिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन जो हमें दिख रहा है, लिखिए BAC का दिखेगा। ये SC नंबर है, BADC, और जो है D नंबर है मेरे को दिख रहा है, DBCA, लिखिए DBCA। ऑप्शन ये रहा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बनाइए। ओ भाई गॉड, चले थोड़ा सा आप लोग ग्रुप में शेयर कर दो, पानी तो मैं पी ही लूंगा, आप लोग ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दो, ग्रुप में आप लोग ग्रुप कर शेयर कर दो, डाउट सेल वाले में शेयर करो, और कुछ कोई लोग लिखो, 2-3 लोग लिख दो। सर लाइव है और 50 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। चले वोकैबुलरी वैक्सीन खत्म, कोई लिख के मतलब मार दो भाई, मैं क्यों करूँ, आप लोग भी करो। चलिए पानी मैं लेके आता हूँ, पानी बोल। हेलो, आवाज़ आ रही है? 9:45 हुए, 45 मिनट्स, और अगले 45 मिनट्स में ये दोनों आपको ख़त्म होना चाहिए। सर सिविल कोड के लिए हिंदी का कोई बुक बता दीजिए। लुसेंट हिंदी है ना अपने पास? जिंदाबाद। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। फ्रॉम द क्या लिखा है? आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही किसके लिए है? ये गलत नहीं होगा। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम रमन टर्न इन टू द लेन एंड रीच द टेम्पल। लेट हो चुका था। On entering the main temple, he, ये पहला sentence नहीं हो सकता। However, a lamp which was burning before the idol of Kalima lit up the place and he could, ये भी आपको पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। पहले हम पहला सेंटेंस को खत्म कर दिए, पहला सेंटेंस ये तय हो गया कि आपका बी फॉर बॉल से शुरू होगा। बी फॉर बॉल की बात करें तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ देखते हैं तो बी फॉर बॉल सी में है। जय हिंद हो गया, जय हिंद हो गया, खत्म, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 1 मिनट एक क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, 1 मिनट। हे माय गॉड, 1 मिनट बहुत हो गया मेरे भाई, इतना टाइम कौन लेगा? अब देखिए तो सही। अगला क्वेश्चन हमारा है मेडल। मेडल का मतलब होता है कि मेडल इन का मतलब होता है इंटरफेयर इन, बात समझो। और इंटरफेयर इन ही नहीं होता, इंटरवीन इन भी होता है, इंटरवीन इन, बात समझो, इंटरवीन इन। ये होता है आपको हस्तक्षेप करना, आपको उल्टा देना है। तो आपको हस्तक्षेप करना कोई आदत होता है कि लोगों को प्राइज जो है, प्राइज एक अलग ही वर्ड है,
ठीक है, इनाम होता है सपोर्ट माने मदद करना होता है। अगला है फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करना, हिंदी में बात करें तो ज्यादा अच्छा है मजबूत करना, और इसकी इंग्लिश अगर बने तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। लिखिए वर्ड हमारे पास है कंसोलिडेट, कंसोलिडेट ये मजबूत करना होता है। आप लिखे वर्ड री इन्फोर्स, री इन्फोर्स ये आपको है मजबूत करना। ठीक है, सपोर्ट का मतलब तो आपको होता है कि समर्थन भी होता है, ये हमारा वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म दोनों होता है। ठीक है, ये जो है आप हस्तक्षेप कर रहे हो किसी को तो आप हस्तक्षेप करना बंद करो। ठीक है, अगर हस्तक्षेप कर रहे हो किसी को तो हस्तक्षेप करना बंद करो, और हस्तक्षेप करना बंद करोगे तो आंसर क्या लेंगे, कितने लोग बोल रहे हो सपोर्ट, अबे बता गए क्या, सपोर्ट क्यों करेंगे भैया, इग्नोर करेंगे, अगर बगल उगल में कुछ हो रहा है तो चुपचाप बैठो लो, छोड़ो जो करना करो, हमको की मतलब, इग्नोर करेंगे भाई साहब, क्यों हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, काहे को हम उसमें बीच में लोचा लगाने जाएंगे। चले नंबर 3 है, कह रहा है पैसिव फॉर्म देना है, फटाक से बताइए इसका आंसर, इसकी पैसिव फॉर्म देनी है। ठीक है, आपको बताना है पैसिव फॉर्म, फटाक से बोलिए जवाब, पैसिव देना है इसकी, पैसिव क्या होगा सो बोलिए, फटाक से बताना आपको आंसर क्या होना है। वी हैव चूजन द कलर, देखो कलर ऑफ द न्यू कार, ठीक है, वी वॉन्ट टू बाय, अगर चूजन के बाद दिया है द कलर ऑफ द न्यू कार, द कलर ऑफ द न्यू कार वी वॉन्ट टू बाय, यहाँ तक दिया है, हमको चूज करना है कि हैज बीन, हैज बीन और हैव बीन, यहाँ इज बीइंग दिया गलत है भाई साहब। अगला क्या दिया है कि हैड बीन, ये पास्ट कर दिया गलत है। अगला दिया क्या कैन बी, ये भी गलत है भाई साहब, जल जाइए आंख बंद करके। ठीक है, आंख बंद करके चलिए पहुंच जाइए डी पे। पहला क्वेश्चन आपको हमको बताना है, अब देखिए यहाँ से हमें बहुत सुंदर सा एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना है और बताना है आप सभी, इस हैज का सब्जेक्ट क्या, जल्दी बोलिएगा फटाफट, कितने लोग बता सकते हैं हैज का सब्जेक्ट, इस हैज का सब्जेक्ट क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताना है, सब्जेक्ट ऑफ हैज कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी उतना टाइम नहीं है, हमने पूछा है कि हैज जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा फटाक से, अगर इस फॉर्म में है पैसिव फॉर्म में तो जल्दी बोलिए इसका सब्जेक्ट क्या है। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले ये कलर होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा द कलर, बात समझ रहे, फर्स्ट प्रीपोजिशन वही हमारा कलर क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगला हम एक बहुत ही सुंदर सा आपको चीज पूछने वाले हैं, आपको जवाब देना है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो वी वॉन्ट टू बाई, ठीक है, ये वी वॉन्ट टू बाई जो है ये आज के डेट में क्या है, ये है क्या, मतलब समझो ये क्या है, क्वेश्चन ये व्हाट, व्हाट इज इट, ये है क्या, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये इसको आप क्या बोल सकते हो, जरा कोई बताएगा हमें क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे किस रूप में है, ये क्या है भाई साहब, किस रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, क्या है डिटरमाइनर है, क्या चीज का है, एडिशनल सेंटेंस हम बात करेंगे, ये निधि सही बताइए, क्लॉज है, ये क्लॉज है, कैसे क्लॉज है सुनिए, द कलर ऑफ द न्यू कार, यहाँ पे छुपा हुआ है क्या है, डेट, आप डेट लगा दो मेरे भाई, डेट वी वॉन्ट टू बाई, समझ रहे हो, ये द कलर ऑफ द न्यू कार, ये आपको डेट के साथ आगे बढ़ेंगे, डेट हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इस रिलेटिव प्रोनाउन होने की वजह से ये क्लॉजल पार्ट हो जाएगा, क्लॉज बन जाएगा मेरे भाई, आप इसको उड़ा दो ना, इसको खत्म कर दो, क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ द न्यू कार हैज बीन चूजन बाय अस, आप या तो लिख सकते हो द कलर ऑफ द न्यू कार हैज बीन चूजन बाय अस, द कलर ऑफ द न्यू कार डेट हैज बीन चूजन, देखिए डेट वी वॉन्ट टू चूज, समझे, तो ये आपको देखेंगे ये हो गया क्या, ये ध्यान समझिए ये क्लॉज हुआ, और बहुत अच्छा आंसर आने जा रहा है कि ये जो पार्ट दिया गया डेट के बाद, ये पार्ट किसके लिए है, इस नाउन के लिए है, और इस नाउन के लिए अगर आया है तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवियल, देखिए एडजेक्टिव वाला क्लॉज, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, समझ रहे हो मेरे भाई, ऐसा भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी कुछ मिलेगा, ये जो क्लॉज है ये क्या हो जाए, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, और इस एडजेक्टिव को बोलते हैं, अगर ऐसा एडजेक्टिव आ जाए नाउन के बाद हुआ, तो इस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, कुछ बातें याद आई कि मैं अभी याद दिलाऊं, प्रेडिकेटिव बाद वाला, कुछ अंग्रेजी को थोड़ा तोड़ लीजिए, थोड़ा सा ममोर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलेंगे बढ़ेंगे। अब अगला हमारे पास है नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप, अभी देखो वही इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात कर रहा है, घर में शेर है अब बाहर जाके ढेर है, लीजिए, द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप विल डैश अ बिग वरी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा फॉर विजिटिंग क्रिकेट, क्या है विजिटिंग क्रिकेट टीम, फॉर द विजिटिंग जो आपको क्रिकेट टीम आने वाली है इंडिया में मैच खेलने के, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया आई है। ठीक है, अब देखो भाई साहब यहाँ क्रिकेट और टीम, ये आपको कंपाउंड नाउन है, फटाफट देखेंगे कंपाउंड नाउन, ये नाउन हो गया मेरे भाई साहब। अब देखिए आपको क्वेश्चन का जवाब पूछना है कि ये बताइए इसका पीओएस क्या, जल्दी बोलो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है विजिटिंग का, कितने लोग बताएंगे विजिटिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए टू पोज, अगर आपको नहीं आता तो याद रखिए टू पोज अ चैलेंज, याद रखेंगे टू पोज अ चैलेंज, ये आपका कोलोकेशन है,
टू पोज अ चैलेंज, टू वरी, ठीक है, ये आपका याद रखने का, पेश करना, प्रस्तुत करना, पेश करना, चैलेंज पोज करेगा, पेश करेगा, बात समझे। क्वेश्चन का जवाब ये देना है कि विजिटिंग यहाँ पे क्या है। देखो भैया यहाँ पे ये दो जो है डिटरमाइनर है, ये पक्का हो गया कि विजिटिंग जो है एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव होगा तो किस रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, ठीक है। आपको वी फोर वाला जो होता है, वी फोर वाला ये वाला का सेंस देता है, ठीक है, माने जो यहाँ आने वाला टीम है, जो यहाँ पे आके देखने वाला है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये याद रखिए, टू पोज अ चैलेंज और वरी याद रहेगा, पोज इसका फकटिया आंसर होगा, टू प्लेस, प्लेस नहीं होता है, टू प्लेस क्या वरी या चैलेंज, हम प्लेस को यूज करते हैं वर्ब फॉर्म में, ऐसे लिखिए टू प्लेस एन ऑर्डर, कहते हैं ना कि हमने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर माने भाई जैसे आपके लिए ऑर्डर दिया, अमेजन पे ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, टू प्लेस एन ऑर्डर याद रहेगा। और ये नाउन फॉर्म में ऑर्डर लिखा है हमने, चूंकि इसके पीछे एन लिखा है, ये नाउन फॉर्म है, ठीक है। और टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर समथिंग, लिखिए फॉर, यहाँ प्रीपोजिशन होता है, या ऑफ समथिंग, प्रीपोजिशन क्या लिख सकते हो, नॉन फॉर्म में ऑफ भी लगता है, ऑफ समथिंग। लेकिन अगर ऑर्डर हमारा, ये भी याद रखना कि अगर ऑर्डर अगर हमारा क्या हो, वर्ब फॉर्म हो, अगर वर्ब फॉर्म हो तो नो प्रीपोजिशन इन एक्टिव फॉर्म, नो प्रीपोजिशन एक्टिव फॉर्म, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। पिक में बोलते हैं पिकअप, सही ना, पिकअप का मतलब आपने कोई चीज उठा लिया, पिकअप, ये भी यूज करते हैं, ही वॉज पिक्ड अप फ्रॉम देयर, वहां से उनको लिया गया, ये सेंस में होता है। तो ये पिक को छोड़ो, अगला है जबरदस्त वर्ड, वो है पुट। जरा ये देखिए पुट का जो है फ्रेजल वर्ब, सबसे खतरनाक जो पूछता है पुट, पुट अप ऑफ विथ होता है, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, लिखिए पुट अप विथ मींस टू टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना, सबसे खतरनाक पुट अप विथ। दूसरा जो सबसे खतरनाक इसका आता है वो होता है पुट ऑफ, लिखिए पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना होता है, पुट ऑफ मतलब होता है टालना, हिंदी लिख ले टालना, और इंग्लिश हम लिखाते हैं, लिखो टालना, टालने के बाद आप लिख सकते हो डिले, ठीक है, डिले लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो क्या, प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट लिख सकते हो ना, प्रोकास्टिनेट। लिखिए अगला वर्ड, लिखिए प्रोरोग, पी आर ओ आर ओ जी यू ई, प्रोरोग लिख लिया, प्रोरोग। अगला वर्ड लिखिए एडजर्न, प्रोरोग लिखा है, पी आर ओ जी आर ओ यू ई, प्रोरोग। नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए, डिले के लिए क्या लिखेंगे, प्रोरोग। उसके बाद बोला हमने एडजर्न, लिख लिया एडजर्न, ये आपको याद रखना है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पोस्टपोन भी लिख लो, पोस्टपोन लिखो, पी ओ एस टी, पोस्टपोन। अगला वर्ड लिखिए होल्ड ओवर, सही है, होल्ड ओवर, होल्ड ओवर। अगला आपको वर्ड लिखना है डिली डेली, डी आई डबल एल वाई, छोटा सा हाइफन, डेली, डी ए एल एल वाई, डिली डेली, लिख लिया। अगला हमारे पास कुछ वर्ड था, क्या था, पुट हो गया ना। एक बड़ा ही खतरनाक सा चीज़ है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ तो वो बता ही देता है, क्या छोड़े बचवा सबको। देखिए अगला देखिए, अगर हम बोल रहे थे क्या पुट के लिए, तो पुट के लिए हमने बताया, पुट ऑफ के लिए बता रहा था, पुट ऑफ, इसमें कुछ वर्ड्स छूट गए थे, लिखिए होल्ड ओवर, ठीक है, होल्ड ओवर। अगला वर्ड आपको हमने बताया कि होल्ड ओवर के बाद आप सिंपली वर्ड लिख रहे थे डिले। अगला वर्ड आपने लिखा था क्या, डिली डेली, डिली डेली, डिली डेली के बाद आपको हमने एक वर्ड बताया कि सर ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो, सही है ना, देर करने के, प्रोकास्टिनेट हमने लिखा दिया था, एडजर्न आपको नहीं लिखा था, बाद में हमने बोला तो लिख, बोलने वाला लिखो एडजर्न। ये आपको हमने बोला था प्रोरोग, जो कि आपको लिखने में थोड़ा दिखने में खराब लग रहा था। अगला लिखे जो आपको देरी करने का है, तो वर्ड लिख सकते हो क्या, लिंगर, देरी करना ना, लिंगर, लिंगर लिख सकते हो। अगला वर्ड आप लिखे जो पुट ऑफ में यूज किया जा सकता है, वो क्या लिख सकते हैं देर करने के लिए, डिली डेली, ठीक है, स्टैब ऑफ लिखो, डिली डेली लिखो, डिली तो लिख ही दिया, डिली डेली, स्टैब ऑफ अच्छा वर्ड है, वो लिख सकते हो स्टैब ऑफ। और भी हम कुछ सोच रहे दिमाग में, आई वॉज थिंकिंग वॉट इट वॉज, कुछ और बोल, चलिए हो गया। अगला देखिए पुट ऑफ था, अब जो हम लिखना चाह रहे हैं पुट इन, लिखिए पुट इन जो होता है इसको यूज करते हैं, पुट इन एफर्ट, जो आपने मेहनत लगाया, लगाना, बात समझे, आप मेहनत करते रहो, वॉट एवर, वॉट एवर एफर्ट यू हैव पुट इन, जो भी आपने मेहनत लगाया, पुट इन, सही है। इन लिम्बो होता है, इन लिम्बो जो होता है आपने क्या किया उसको देरी में रख दिया, उस सेंस में, तो ये याद रखें। अगला आपको मैं एक और अच्छा बता रहा हूँ, पुट अप अ फाइट, पुट अप अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, पुट अप अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, टू पुट अप अ फाइट, ये कोलोकेशन में बता रहा हूँ, जैसे अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान अच्छा फाइट दिया, समझ रहे हो ना, अच्छा मुकाबला दिया, किसके साथ, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ अच्छा मुकाबला हुआ, ठीक है, इंडिया तो कहीं तक नहीं दिया था, लेकिन अफगानिस्तान ने अच्छा दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। पुट अवे माने क्या है, पुट अवे, सही है, मार दिया, या पुट अवे माने क्या होता है, दे देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, उस सेंस में यूज करते हैं।
बात समझे, यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ था, पोस्टपोन, लिख लो बच्चा, पोस्टपोन वही छूट रहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, अगला हमारे पास है नंबर है क्या, ये क्लोजेस्ट का, द फ्लाइट वॉज पैक्ड, द फ्लाइट वॉज पैक्ड, दिख रहा है या ना, दिख रहा है सो देख लीजिएगा आप, लिखा है द फ्लाइट वॉज पैक्ड, पूरा भरा हुआ था, देयर वर डैश पेरेंट्स विथ स्मॉल चिल्ड्रेन, क्या लिखे है, मोस्ट पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, सेवरल पेरेंट्स, एनी, ये सब काटेंगे, सेवरल बहुत सारा है, पीसीएन बहुत सारे पेरेंट्स थे अपने बच्चों के साथ, स्मॉल स्पेसिफिकली खासकर अ 3 ईयर बॉय, क्या नाम है, 3 ईयर ओल्ड बॉय डैश द रो इन फ्रंट ऑफ मी, सही है, जो करा कि 3 साल का बच्चा जो डैश इन द रो, यानी ये डैश इन द माने क्या, रो मतलब इन द रो, वो जो रो में बैठा हुआ था इन फ्रंट ऑफ मी डैश अनाउंसिंग, क्या लिखा है, अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस, जो आपके सामने बैठा हुआ था वो अपना प्रेजेंस जो अनाउंस कर रहा था, कैसे, तो बदमाशी करके, बदमाशी करके, ठीक है ये याद रखना, तो इन फ्रंट ऑफ मी डैश अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस, तो क्या लिखेंगे, अगर लिखा है या पास्ट शुरू हुआ वॉज, तो पास्ट मेंटेन करते हुए क्या लिखें, आर हैड, ये नहीं, क्योंकि अब किसके लिए लिखना है, तो आपको लिखना है 3 ईयर बॉय ओल्ड बॉय के लिए, और 3 ईयर बॉय बॉय के लिए लिखना है मेरे भाई, तो वेयर भी कटेगा और ये क्या होगा, वॉज, वाज अनाउंसिंग, वाज अनाउंसिंग, क्योंकि ये बच्चा के लिए लिखना है, ए लगा हुआ है, ये कट गया था, ये आपका आंसर होगा वॉज, वाज अनाउंसिंग इज प्रेजेंस बाय लेटिंग लूज, लेटिंग लूज का मतलब होता है अपने आप को खुल्लम खुल्लम खुल्ली छोड़ना, टू लेट लूज, खुल्ला छोड़ देना किसी को, जो करना है करो, सेट फ्री, टू लेट अक्रॉस नहीं होता है, लेट लीव नहीं होता, लेट अवे नहीं होता, लेट लूज मतलब होता है टू सेट फ्री, खुल्लम छोड़ दीजिए, कहना है खुल्ला घूम रहे हो भैया, ठीक है, पूरा हल्ला चिल्लम चिल्ली किया जा रहा है, तो लेट लूज, और क्या लिखा है, लेट लूज यानी बाय लेटिंग लूज ईयर पियर्सिंग, क्या, ईयर पियर्सिंग, क्या लिखा है, सर्क्स, ईयर पियर्सिंग का मतलब होता है कान छेदने वाला, क्या, चीखना चिल्लाना, कान छेदने वाला चीखना चिल्लाना, ठीक है, तो ये देखिए ये सर्क्स लिखा है, 45 सेकेंड्स, हर 45 सेकेंड पे ये कान छेदने वाला क्या करता था, चिल्लम चिल्ली करता था, जो भी, आई सेटल्ड डैश आई सेटल डाउन, लेकिन आपको क्या करना, मजबूरी था, फ्लाइट में बैठे चुपचाप बैठ गए, आई सेटल्ड आउट नहीं, सेटल्ड डाउन, आई सेटल्ड डाउन, शांति से बैठ गए, होपिंग द किड वुड काम डाउन, जो बचवा था वो शांत हो जाएगा, ये सोच के आप क्या किए, अपने जगह पे सीट पे आराम से बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फर्नीचर्स, आपको पता होगा कि फर्नीचर्स जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और फर्नीचर्स का पुलर फॉर्म नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है पुलर फॉर्म, तो क्या होगा, दिस के साथ ऐसे भी क्या होगा, आपको पता होगा कि आप या तो सिंगुलर यूज करते हो या अनकाउंटेबल, तो ये आपका अनकाउंटेबल रूप में यूज करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि सिंगुलर हो जाता है, इसलिए ये आपका जो बेटर ऑप्शन होगा क्या होगा, ये एरर पार्ट ये है, समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज, ध्यान देंगे, अगला आपको दिया है 11, क्या, आई हैव प्रिपेयर्ड, ध्यान दीजिएगा, आई हैव प्रिपेयर्ड, और क्या प्रिपेयर्ड किए हैं सो देखें, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन, एकदम सही है, पटेंट भी है, रेडी भी हैं आप, एकदम सही है, एंड रेडी दिया है तो सब कुछ सही है, तो हमारे पास एक फटिया आंसर है, नंबर है बी फॉर बॉल, ठीक है ये याद रखिएगा, अगला हम देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, कह रहा है कि COV, कोव, कोव का जो मीनिंग होता है वो खाई होता है, नंबर है आपका बे, ये होलो माने क्या होता है, खोखला होता है, पीट माने गड्ढा होता है, क्रेटर माने क्या होता है, जो क्रेटर जो होता है मुंह होता है, जैसे क्या ज्वालामुखी का ओपनिंग जो होता है, ठीक है ये ओपनिंग होता है, लिखो ओपनिंग, क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो, ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो, ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो,
चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्रेटर जो होता है ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो, ये जो है ना ओपनिंग होता है, मुंह जो होता है मुंह क्रेटर। और क्रेटर का मतलब क्या है, जैसे क्रेटर्स जो आपको क्रेटर्स पाया गया है, ठीक है, क्रेटर्स ऑन द मून। ये अगर क्रेटर्स ऑन द मून मतलब क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपको याद होगा कि सरफेस ऑफ द मून पे क्या हुआ, क्रेटर्स पाया गया है, मतलब ये जो है लग रहा है क्या है कि वहां पे ना कुछ सही है, ये जो है कुछ ना कुछ क्या फटा हुआ है, कुछ आपको उस पर क्या है एक जो है ना उसका जो है मतलब क्या फुटप्रिंट्स है क्रेटर्स का, ये पाया गया। बात समझ में आया? हाँ कुछ था। चलिए गड्ढे कुछ पाए हैं, ये गड्ढे के वही सिंबल दे सकते हो, यस गुड, आप बोल सकते हैं गड्ढे। आई थिंक ये गड्ढे ऐसे लिखा जाता है, तो लिख लीजिए गड्ढे। बात समझे? जैसे भी लिखा जाता है आप लिख लेना गड्ढा। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीठ वाले में गड्ढा होता है। अगला हमारे नंबर है 13 करा है क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। ये वर्ड है आपको कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, ये आपको सही है, घृणात्मक। कंटेम्प ये एग्रेसिव वर्ड दिया है, ये एग्रेसिव में डबल जी होगा, ठीक है, एग्रेसिव, इनका एग्रेसिव नेचर है, ठीक है। अगला इंसेक्ट्स, ये फोकटिया बात है, इंसेक्ट्स ये एग्रेसिव माने आक्रामक होता है। बिस्किट्स का जो स्पेलिंग है ये बिस होता है, उसके बाद QUITS होता है, बिस्किट्स, समझे? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा लॉन्च मिशंस फॉर क्या लिखा है, जीरो क्रेटर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास जो है नंबर 14 लिखता है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, ये इसको हम बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। अगर एरिस्टोक्रेट्स, एरिक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी का, मतलब जो एरिस्टोक्रेट लोग के द्वारा क्या होता है राज किया जाता है, शासन कुलीन लोगों के द्वारा, कुलीन लोग, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स। तो ये एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा एरिस्टोक्रेसी, ओलीगार्की, जो हम ओला में कितने लोग जाते हैं, ओला का मतलब कुछ लोग जाते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं तो मतलब क्या होगा, बाय फ्यू पीपल, ठीक है, कुछ ही लोग के द्वारा, बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोग के द्वारा जो शासन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओला, देखिए ओलीगार्की। अगला है प्लूटो, प्लूटो पी माने, प्लूटो माने समझो पैसा, पी माने पैसा, जो पैसा वाला के द्वारा शासन हो मतलब ये समझिए बाय वेल्दी, बाय वेल्दी पीपल, ठीक है, बाय वेल्दी पीपल वो होता है, याद रखिएगा, बाय द वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग के द्वारा होता है उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? चल आगे बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट हमारे पास है, सो समझे, नेक्स्ट हमारा दिया 15, अ वर्टिकल पैसेज वे इंटू, क्या लिखा, माइन। माइन का मतलब क्या है, ये आप समझ लीजिए खनन, खनन जो होता है ना, जो हम खनन करने करते हैं, माइनिंग के लिए जाते हैं, तो ये एक नैरो पैसेज होता है, ये वर्टिकल पैसेज ऐसे सीधे जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कैनल नहीं होता, नहर होता है, ये एसएल जो होता है ये सिंपली रास्ता होता है, पैसेज, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं सीधा सीधे। लॉबी माने प्रतीक्षा जो करते हैं हम लोग लॉबी में जाके, ठीक है, एयरपोर्ट पे लॉबी होता है, ये आंसर होगा साफ्ट, साफ्ट माने सीधे उसको घुसाया जाता है माइनिंग के लिए, समझे, वर्टिकल लेवल। अगला देखें, आज समझ में, अगला हमारा नंबर 16, द मिनिस्टर सेट, द मिनिस्टर सेट एनी वन यूजिंग, क्या लिखा है, एनी वन यूजिंग ड्रोन्स विल हैव टू रजिस्टर देम ऑन एन डैश पोर्टल, एन दिया है, पोर्टल दिया है, नाउन दिया है। यहाँ पे देखिए आपको जो एन से सब तो एन ही है, तो ये जो आपको दिया है कि ड्रोन्स का कहाँ यूज किया जाता है, तो ड्रोन्स किस में किया जाता है, तो ये जो पोर्टल होगा एरोप्लेन का पोर्टल, एयरलाइन का पोर्टल, एयरपोर्ट पोर्टल नहीं, एविएशन पोर्टल, सबसे अच्छा एविएशन जो है आपका पोर्टल, एविएशन का जो साइट है वहाँ पे एसल सीट एयरपोर्ट पे प्लेन में जो होता है, समझ रहे हो, पैसेज वाला। चलिए आगे देखते हैं, एक विंडो सीट भी होता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है करा है क्या, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है, ये जो वर्ड दिया है PAT दिया है, ये आपको PAT जो दिया है वर्ड, ये आपको करेक्ट स्पेलिंग ये तो सही है। ये पवित्रता के लिए सर्टेनिटी, ये वर्ड सर्टेन होगा, और सर्टेनिटी, ये वर्ड सर्टेनिटी होगा, विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी होगा, ठीक है, आपको कितना दिखता है क्या नहीं दिखता है, विजिबिलिटी के बाद नोटोरियेटी, ये वर्ड जो है ना, ये भी वर्ड का स्पेलिंग सही है, पता है आपको, लेकिन एग्जाम में जब दोनों सही हो ना तो पहला वाला को मारना, एग्जाम में दोनों सही हो तो पहले वाले को मारना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में, चूंकि इसका जो नोटोरियस, नोटोरियस यही ना होता है, नोटोरियस या नोटोरियस स्पेलिंग ये होता है, नोटोरियस, नोटोरियस का स्पेलिंग ये होता है ना, नोटोरियस से बना है, नोटोरियस से मतलब ये कुख्यात हुआ अनंत मिश्रा, ये कुख्यात हुआ, तो कुछ आदमी जो होते हैं ना कुख्यात ही होते हैं, सही है ना, अपने बदमाशी के लिए जिनका नाम हो ना, समझे, उसी से बना है, इसलिए दोनों का स्पेलिंग सही है, लेकिन हम लेंगे ये भी स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन जब दोनों सही हो तो पहला वाला को ले लेंगे, एग्जाम में ऐसा ही कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो देखें वो देखो 17 के बाद 18, ये बोलता है धीरज सेठ डैट ही हैड विन, ही हैड विन, क्या लिखा, ही हैड विन टू गोवा,
प्रीवियस ईयर। देखिए बीन टू गोवा, ये एकदम सही है। कुछ लोग बोले सर ये बीन क्या है यहाँ, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब किस रूप में है, तो बीन का मतलब आप गॉन समझिए या बीन का मतलब ये समझिए विजिटेड, लिखिए विजिटेड। तो अगर गॉन होगा तो गॉन टू गोवा हो जाएगा, अब विजिटेड होगा तो विजिटेड के साथ प्रीपोजिशन है, विजिटेड गोवा सिंपली, विजिटेड प्लेस होता है, लेकिन गॉन टू क्या होता है, ये प्लेस यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? नोटोरियटी, बात समझे? अच्छा उसमें क्या किया था, हम नहीं देखे, वो याद रहा, आई पहले होता है तो अब देख लेंगे। नोटोरियटी IETY है या EITY, हम देखे नहीं है, फिर से देख लेंगे अगर हमको लगा एक नजर में कि वो सही। धीरज टोल्ड, देखिए पहले यहाँ देखिए, ही हैड, ये ऑलरेडी क्या दिया है, ये आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ इनडायरेक्ट, तो ये अगर हैड बीन दिया है तो क्या लिखा है, वेंट टू। अब देखो हैड बीन टू ऑलरेडी दिया है, अगला क्या है, ही हैज बीन टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर दिया है तो पक्का है कि वी टू होगा, वी टू इसलिए होगा क्योंकि आपको लास्ट ईयर दिया है, लास्ट है तो फिर क्या करेंगे आपका वही लेंगे, आंसर होगा ए फॉर एप्पल, आंसर होगा ए फॉर एप्पल। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट दिया, लास्ट है तो क्या होना चाहिए, पहले से वी टू होना चाहिए, और वी टू चेंज होता है हेड प्लस वी थ्री में, उसको देखिए। तो देखते हैं क्या है, नोटोरियटी, यस यहाँ पे गलती था, IETY, समझ रहे हो, एकदम सही बोल रहे हैं, तो आप लिख लें। अगर ये आपको दिया है तो अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप लिखें ये वाली, ठीक है, ये आपको करेक्ट स्पेलिंग होगा, थोड़ा सा क्या है EI का और IE का चक्कर है, बात समझ रहे, बात समझ रहे ना, इसलिए आपको ये लिख सकते हैं। पहले में क्या दिया है, टोल्ड दिया है सर, तो आपको देखेंगे ध्यान से, नीचे भी देख लेंगे सेट होना चाहिए, वो भी देख लेंगे, हाँ देख लेंगे, पहले वो उधर हमको ध्यान इधर चला गया, पहले इसको देखिए उसके बाद देखते हैं अगला। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 है, अब देखो ये 18 को फिर से हमें देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि टोल्ड दे दिया था, यहाँ पे भी है आई हैव बीन टू गोवा लास्ट ईयर ऑल्सो। अब एक सुने हो ना, मजबूरी का नाम गांधी जी, मजबूरी का नाम गांधी जी सुने, तो मजबूरी का नाम गांधी जी अगर सुने तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ मजबूरी का नाम गांधी जी देखते हुए हमें देना पड़ेगा, मजबूरी का नाम गांधी जी का आंसर हो जाएगा क्या, डिफर डॉग, चूंकि आपको सेट देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ सेट ये देख लो, आ समझे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती नहीं करना, मैंने जानबूझ के दिया और आपने पकड़ लिया, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट हमें देखते हैं, अगला हमारा दिया नंबर 19, सिद्धार्थ वांट टू बिकम, सिद्धार्थ वांट टू बिकम, थोड़ा तेज है, हो सकता है गलती हो रहा है तो बताइएगा, सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर, तो ये सिद्धार्थ जो है सिंगुलर है, यहाँ पे वी फाइव होना चाहिए, चूंकि बट नीड्स, ये देखो वी फाइव है तो ये मेंटेन कीजिए ना वी फाइव, आप देखिए और बताइए। तो सिद्धार्थ वांट्स, ठीक है, वांट्स टू बिकम, नंबर है क्या, सिफर गेट, नंबर है सिफर गेट। अगला देखें, अगला हमारा नंबर है 20, 20 नंबर में देखिए आंसर बता दीजिए आप सभी लोग, क्या लिखा 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, अ कॉमन साइट नाउ इज डैट ऑन द रोड्स ऑफ यंगून एंटीक्वेटेड। देखिए अब क्या है, तो अ न्यूली बिल्ट हाईवे, क्या लिखा है, अ न्यूली बिल्ट हाईवे, ठीक है, अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स, क्या लिखा है, मंडले टू द सिटी ऑफ रंगून नाउ कॉल्ड यंगून। सिमिलरली देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, एंगून इज फेयरली, पूरी तरह से टिपिकल ऑफ, ये प्रिपोजिशन याद कर लीजिएगा, टिपिकल ऑफ प्रिपोजिशन यही होता है, कहीं का कोई चीज अगर टिपिकल हो जाए उसके लिए यूज करते हैं, टिपिकल ऑफ, ठीक है। तो एक ये है, तो अब देखो ये जो दिया ना, टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया स्टैंडिंग एज इट डज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ, एट द क्रॉस रोड्स, ये भी याद रखना है, क्रॉस रोड्स, एट द क्रॉस रोड्स का मतलब होता है के चौराहे पर, ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। चलिए डी से शुरू होने वाला कोई है क्या, डी के बाद देखिए, कॉमन साइट नाउ इज दैट ऑन द रोड्स ऑफ यंगून एंटीक्विटी क्रॉस है, क्या अलोंग साइड शाइनी न्यू व्हीकल्स। चलिए आपका डी के साथ ए पेयर है, और भी कहीं है क्या डी के साथ ए, देखेंगे हम लोग, डी के साथ ए, ये है पेयर। क्या बी से शुरू कर रहा है, न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मंडले टू द सिटी ऑफ रंगून नाउ कॉल्ड यंगून, ये सही है, यहां से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि बी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले यंगून के बारे में बताना पड़ेगा, मेरे पिया गए रंगून अब हो गया क्या यंगून, मेरे पिया गए रंगून अब हो गया वो यंगून। तो बी के साथ डी का पेयर बहुत अच्छा है, और यहीं से आंसर हो जाएगा, डी के बाद तो ये होगा ही, हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नंबर है 21, प्लेंटी ऑफ पीपल, पहली चीज है तो आप समझिए कि
कि अगर ये प्लेंटी ऑफ पीपल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम सोचेंगे भी, लेकिन ये जो दिया ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ये V5 नहीं होगा, क्योंकि अगर पीपल दिया ना तो पुलर फॉर्म है, पुलर फॉर्म के साथ हमारा V5 नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा एरर है। साथ ही साथ ये भी एरर है कि प्लेंटी ऑफ जो होता है ना, प्लेंटी ऑफ के साथ हमारा क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, बात समझे, पीसीएन का प्रयोग नहीं करते हैं, पीसीएन का समझ लो ना, प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप जान लीजिए नहीं करते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश में मिल जाता है, लेकिन आपका सबसे अच्छा यही होता है, प्लेंटी ऑफ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, बात समझ में आ गया। लेकिन पहली बात तो पहले ये समझ ले कि ये जो है लाइक, अगर पीपल भी देख के मारेंगे तो क्या करेंगे, लाइक होना चाहिए, लाइक्स नहीं होना चाहिए, हो गया, जो गलती है पहले उसको मार के भागो, मार के भागे उसके बाद देखा जाए। नंबर 22 हिज गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ जाता है घूमने के लिए जाता है और आपको घुमाता हो, ठीक है, आपको दिशा दिखाता हो, सब कुछ बताने वाला जो वो गाइड होता है। आस्क हिम टू पुल अप हिज सॉक्स इफ ही वांटेड टू गुड, क्या वांटेड अ गुड रैंक, यहाँ पे क्या है इडियम है, तो पुल अप वन सॉक्स, कह रहा है कि भैया अपना सॉक्स उक्स खींच लो, मतलब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अगर अच्छा करना चाहते हो जीवन में, तो क्या है ये तो नहीं होगा भैया, टेक केयर टू बी मोर फॉर्मल, मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव, एक या तो ये हो सकता, गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, ना भैया आप एफर्ट लगा दो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दो तभी होगा। चले नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगला जो है हमारा नंबर है 3, ये वर्ड है रूफुल, रूफुल का मतलब होता है कि अगर आपको बड़ा ही क्या हुआ, पछतावा हुआ किसी चीज के लिए, मतलब आपको एंटोनिम देना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, आपको रिग्रेटफुल है। फ्रेगमेंट का मतलब, फ्रेगनेंट माने सुगंध, ठीक है, ये फ्रेगनेंट जो है सुगंधित, ये बोलते हैं फ्रेगनेंस, याद रखिएगा, तो फ्रेगनेंस जो होता है सुगंध होता है, स्पाइसी में मसाला होता है, ये उल्टा देना तो क्या पॉजिटिव वर्ड, ये निगेटिव है, जॉयफुल नंबर है, ए फॉर एप्पल। अगला देखिए द गाइड आर के रमन नारायण के बाद आपको सर्ज है, सर्ज इन समथिंग, सर्ज का मतलब क्या होता है, सर्ज इन मतलब किसी चीज की बढ़ोतरी, सर्ज जो होता है वर्ब और नाउन दोनों होता है, नाउन फॉर्म में इन लेता है, सर्ज के मतलब होता है हाइक, HIKE हाइक, बढ़ोतरी होता है, तो आपको जो सर्ज है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हो गया, रस हो गया, लोगों का रस हो या कोई भी चीज का रस हो, मतलब बहुत अफरा तफरी है, बढ़ गया है लोग, स्मूथ माने जो आराम से चल रहा है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ ड्राइविंग। अगला क्लीन माने नीट एंड क्लीन, आप लिख सकते हैं बड़ा एक अच्छा सा वर्ड है, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन ऐसे करके लिखा रहा है, मतलब होता है क्या नीट एंड क्लीन, जिसको दूसरा वर्ड बोलते हैं प्रीम एंड प्रॉपर, प्रीम एंड प्रॉपर हमको चाहिए सब कुछ, साफ सुथरा चाहिए, ठीक है। हाइजीनिक माने क्या होता है, जो आपको स्वास्थ्य स्वास्थ्य के नजरिए से सही है, बेहतर है, उसको हाइजीनिक कहते हैं, हाइजीनिक जैसे फूड हो, हाइजीनिक आपको क्या हो कंडीशन हो, हाइजीनिक आपका इन्वायरमेंट हो, हाइजीनिक सराउंडिंग हो, आप लिख सकते हो, बात समझे, ये आप यूज कर सकते हैं। मैं जहां रहूं मैं कहीं भी रहूं तेरी साथ है, कहने को साथ अपने दुनिया चलती है तेरी साथ है। लीजिए 25 नंबर पे चलते हैं हम लोग, ये 25 क्या है सो देखिएगा, ये 25 नंबर वी इंजॉयड वॉचिंग, इंजॉय के साथ हमारा V4 होता है, जेरंड फॉर्म पता है ना, ये जेरंड फॉर्म होता है, तो ये समझ में, तो ये आपका जेरंड फॉर्म होता है, इंजॉय के साथ V4 होता है। द फिल्म बिकॉज इट वॉज अ डाउन टू अर्थ डिपिक्शन, डिपिक्शन का मतलब होता है डिस्प्ले, मतलब आपको चित्रण कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा हिंदी, डिपिक्ट चित्र के लिए डिपिक्ट करते हो तो चित्रण, चित्रण ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो डाउन टू अर्थ जो है इसका idiom का मतलब बड़ा ही सही है, ये जो बंदा है ना बड़ा ही क्या है डाउन टू अर्थ है, ये प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग नहीं होगा, फैंसीफुल नहीं हो सकता, काल्पनिक नहीं है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, ये सोच सकते हैं, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल दोनों चीज़ है, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल भी है और प्रैक्टिकल एंड क्या है डायरेक्ट है, शॉर्ट मीनिंगफुल छोटा ना दे, ये मीनिंगफुल तो चलेगा, लेकिन ये जो वर्ड है ये ज़्यादा अच्छा है, डाउन टू अर्थ डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आपको डाउन टू अर्थ है मतलब ये प्रैक्टिकल दिखाया और साथ में डायरेक्ट दिखा रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल बंदा है ये, डाउन टू है हम्बल पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है उस सेंस में भी। चलिए नेक्स्ट वन इज नंबर है आपको क्या 18, सही है, गियर आपका जो लगा हुआ है उसी गियर में चलते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गियर जो है जो लगा है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, सही ना, जंगली जानवर सबको जहाँ रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये जो जंगली जानवर होता है बड़ा खच्चर होता है, खच्चर समझते हो, ये झूठा का सरदार होता है, तो लायर समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये LIER लायर जो होता है ना हम उसको क्या बोलते हैं, हम जो झूठा का सरदार होता है हमारे यहाँ झूठ बोलता है उसको बोलते हैं तू जंगली जानवर है, उससे भी बदतर है, तो चलो तुमको रख देते हैं कहाँ, इसमें रख देते हैं, ये पिंजरा होता है भैया,
पिंजरा, ये केज, और ये जानवर के लिए यूज करते हैं पिंजरा भी। ये हमारे जो कुत्ता सब है ना, कुत्तवा सबका घर है, कुत्ता घर है ये, ठीक है। और ये हच जो है ये छोटा पिंजरा होता है, छोटा पिंजरा बनाते हैं हम लोग छोटा जानवर के लिए, छोटा पिंजरा, इसके लिए हच कहते हैं, ठीक है, छोटा पिंजरा होता है। चलिए तो ये आपको है, अगला हमारा देखिए, नेक्स्ट वन इज नंबर टू, कह रहा है क्या, अ सोल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, कहते हैं इसको हर रामबाण कहते हैं भैया, समझो ना कि ये हर डिफिकल्टी जो या कोई डिजीज जो सबका क्या हो जाए, ये आपको उपचार हो जाए। थेरेपी माने उपचार होता है, लेकिन ये सोल्यूशन है या रिमेडी है, इलाज, सही है, ये हल था। अगला हमारे पास है, देयर वॉज नो साइन ऑफ व्हाट रिकॉग्निशन ऑन हिज फेस व्हेन दे मेट आफ्टर कितने साल, आफ्टर 10 ईयर्स, कोई साइन ऑफ रिकॉग्निशन नहीं था, देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये देखिए, देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, तो आपको यहाँ पर देना क्या है, इंप्रूवमेंट करना। आप बताइए इंप्रूवमेंट में क्या जाएगा, नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, आपको पता है कि नो के साथ नाउन फॉर्म जो दिया वो सही है, और नो के साथ अगर नाउन फॉर्म दिया है तो वो सही है, तो होना चाहिए क्या, नो इंप्रूवमेंट, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, नो नहीं होगा, यहाँ पे नॉट होता है, नॉट इन ही होता है, नॉट इन इक्वल टू नो होता है, ना नो साइन टू रिकॉग्नाइज, अगर नो साइन फॉर रिकॉग्निशन जो दिया वो सही है। बड़े अगला हमारे पास है, सो देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा नंबर चार, वी वर बीजी, देखो इतना बढ़िया सेशन छोड़ के लोग ना मैच देखते हैं, मतलब बड़ा बीजी, देखिए बीजी आप क्या करते हो, कोई भी चीज के साथ आप बीजी हो तो लिखते हैं बीजी विथ समथिंग, ठीक है, तो बीजी विथ समथिंग नहीं तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं बीजी के बाद क्या, जेरंड फॉर्म बी फोर, दो खूब यूज करते हैं, बीजी डूइंग समथिंग, सही है ना, बीजी डूइंग समथिंग, या बीजी विथ समथिंग होता है बीजी इन प्लस वी फोर यूज करते हैं, बीजिंग इन डूइंग समथिंग, पास मरो ना, इस सेंस में यूज करते हैं, बीजी एट द वर्क, बीजी विद द वर्क होगा, बीजी विद द वर्क एंड बीजी व्हाट, तो बीजी लिखेंगे इन डूइंग समथिंग, और बीजी के बाद डायरेक्ट वी फोर भी लगते हैं, ये भी लगता है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ये भी याद रखेगा, जेरंड फॉर्म, तो बीजी के साथ एट ना होगा, गलत है, बीजी एट द वर्क नहीं, बीजी विद द वर्क ये यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, सो देखेंगे नेक्स्ट है हमारा क्लोज टेस्ट है, अब देखिए क्लोज टेस्ट में देखिए ये आपको नंबर कितना है, पांच से, कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल, क्या लिखा, नेशनल पार्क एंड इंडियन, लिखा क्या, एंड इंडियन वॉट, आपको जो दिख रहा होगा लिखिए एंड इंडियन वॉट, ये देखिए यहाँ तक दिख रहा है, हाँ तो देखिए ये एंड इंडियन वॉट, देखिए तो एन इंडियन लिखता है क्या कि एन इंडियन नेशनल पार्क लोकेटेड इन नॉर्थ चमोली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स मिडोज, मिडोज का मतलब होता है ये घास का मैदान होता है, खुला मैदान, मिडोज, बात समझे, तो लिखेंगे ऑफ क्या, इंडेमिक, इंडेमिक का मतलब क्या होता है, इंडेमिक का मतलब स्थानीय होता है, जो वहां का लोकल है, इंडेमिक, बात समझो, ये इसका मीनिंग हुआ, तो नोन फॉर इट्स मिडोज ऑफ इंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा माने वही वेजिटेशन के लिए यूज करते हैं, फोना माने जानवर के लिए, करें फुल स्टॉप, डैश रिचली डाइवर्स एरिया, डैश रिचली डाइवर्स एरिया नाउन हुआ, डाइवर्स एडजेक्टिव हुआ, ये रिचली एडवर्ब हुआ, यहाँ पे हमें एक डिटरमाइनर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एरिया के साथ क्या जाएगा, डैट, नहीं अभी चर्चा जिसका कर रहे हैं अभी पैसेज में, तो डैट नहीं, वह नहीं, यह, दीज नहीं, विच नहीं, आंसर होगा दिस, आंसर क्या होगा दिस, समझ में आया, चलिए दिस के बाद बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, दिस रिचली डाइवर्स एरिया इज ऑल्सो होम टू, हम आपको कई बार बता दिए होम टू, जिसके लिए वो घर होगा, होम टू क्या लिखेंगे, तो ये हम लिखते हैं होम टू क्या, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज या एनिमल्स, रेयर माने दुर्लभ और जो खतरे में है, ठीक है, खतरे के अधीन है, वो हुआ क्या लिखे, होम टू, आपको ये प्रीपोजिशन याद रखना है, होम टू मतलब क्या, होम टू हो या शेल्टर टू हो, इनहैबिटेशन टू हो, हैबिटेशन टू हो या रिफ्यूज टू हो, यही बोले, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब शरण स्थली, इंडिया इज लार्जेस्ट रेफ्यूज, आर यू एफ यू जी, रेफ्यूज टू द क्या लिखे, बांग्लादेशीज, तो ये आपको याद रखना है, टू लेता है प्रीपोजिशन। अगला हमारे पास है इंक्लूडिंग क्या लिखा है, सो देखिए इंक्लूडिंग एशियाटिक ब्लैक बियर स्नो लियोपार्ड मस्क डियर ब्राउन बियर रेड फॉक्स ब्लू शीप बर्ड्स डैश इन द पार्क इंक्लूड द, जो बर्ड्स जो यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स फाउंड इन द पार्क जो पाए जाते हैं, ये आपको बर्ड्स फाउंड ये ज्यादा अच्छा होगा, या तो इसको नॉन फनाइट कहिए, या बर्ड्स के वजह से ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए ये सब खत्म, तो वर्ड्स फाउंड, चूंकि आगे इसका मेन वर्ब भी होगा, बर्ड्स फाउंड इन द पार्क इंक्लूड, ये इंक्लूड जो है भी वन है, ये इसका लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इंक्लूड का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यही होगा बर्ड्स, कह रहा है कि इंक्लूड द हिमालयन क्या लिखा है, मोनल पीजेंट एंड अदर डैश एल्टीट्यूड बर्ड्स, एल्टीट्यूड बर्ड्स माने क्या, जो ऊंचा ऊंचा उड़ सकता है, तो हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स, ऊंचा उड़ने वाला, ठीक
ठीक है, फ्लाइट नहीं, सोरिंग नहीं, फार नहीं, हाई अल्टीट्यूड वर्ड्स कह रहा है कि एट 3,352 टू इतना मीटर्स अबव सी लेवल द जेंटल डैश ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स, द जेंटल डैश, अब जरा सुनेंगे जेंटल डैश, जो कह रहा है सतह जो है ना, सतह बड़ा ही सीधा है, सपाट है, बड़ा अच्छा लगता है। एक जो सतह होता है रफ होता है, रग्ड, रग्ड बने रफ, तो रफ नहीं है, उबर खबर नहीं है, ये आपको क्या जेंटल लैंडस्केप है, ये लिखेंगे, ये जो है हिमालय है ना, पर्वत है क्या, पार्क है ना, तो ये लैंडस्केप मोड में होगा। तो जेंटल लैंडस्केप ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कंप्लीमेंट्स, पूरा करता है, पूरक है किसका, पूरक है देखिए किसका, ये जो है जेंटल है, सीधा सीधी है वैली, द रग्ड, रग्ड माने रफ, लिखिए रग्ड माने रफ, ठीक है, रुखरा, रग्ड माउंटेन विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब क्या होगा, ये जो होता है जो आपको क्या वीरान जगह है, ठीक है, जो डिजर्टेड प्लेस है उसको बोलेंगे। सर प्रेजेंट में सेंटेंस फिर फाउंड क्यों, अरे फाउंड यहाँ पे भीतरी नॉन फाइनाइट, एक थप मारेंगे दिमाग ठंडा हो जाए, सिमी राठौर, फाउंड भीतरी यहाँ पे नॉन फाइनाइट लिखा ना हमने, नॉन फाइनाइट है ये प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल भीतरी। बर्ड्स फाउंड का मतलब क्या है, जो पक्षी पाए जाते हैं या पाए गए हैं, फाउंड बर्ड्स, फाउंड बर्ड का मतलब क्या हुआ, जो मिलल है, मिलल क्या पक्षी, मिलल माने समझते हो, भीतरी माने क्या, भीतरी एडजेक्टिव, ब्रोकन चेयर मतलब क्या टूटल कुर्सी, तो फाउंड बर्ड्स माने मिलल, हमारे बिहार वाला, मिल माने मिलना, ठीक है, पाना, तो बोलेंगे मिलल पक्षी, यही मिलल है, यही सब बर्ड्स है, आया समझ में, चलो। तो ये आपका लैंडस्केप होगा, और देखिए विल्डरनेस का मतलब होता है वीरान या एकदम डिजर्टेड प्लेस है उसको बोलते हैं। ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क टू द ईस्ट, वो भी क्या ईस्ट में क्या दिशा दिया है, टू द ईस्ट, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ठीक नहीं है, ठीक है, चलो आगे बोलो, नंबर 10 बढ़िया, जल्दी से बताइए इसका, बैक इन सैडल, ये जो वर्ड है आपका बैक इन सैडल, सैडल का स्पेलिंग होता है ये होता है, ये जो घोड़ा का पीठ होता है ना, घोड़ा का पीठ जिसमें बैठ के हम लोग क्या टूटू 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 चलते हैं, उसी को सैडल कहते हैं, एसे डबल डी एल ई, समझे, एसे डबल डी एल ई, सैडल। तो बैक इन सैडल, बैक इन सैडल का मतलब है क्या कि भैया आप क्या किए, फिर से वापस आ गए हो अपना काम शुरू करने, रिज्यूम ड्यूटी होता है, एडजस्ट फिर से आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला अगला है हमारा क्या, नंबर 11 आ जा, नंबर 11 में क्या है, ये देखिए, ये दिस वन, ये लिखा हुआ जस्ट, ध्यान समझेंगे, अगला जो दिया है सो देखिए, ये आपको पढ़ा जम्बर है, जस्ट बिफोर द सेक्रीफाइस हाउएवर ही, ये आपको ही किसके लिए पहला संडे, वंस व्हेन ट्रेवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट द किंग वाज कैप्चर्ड बाय, ये होगा पहला, एक बार गया जब जा रहा था ना तो कैप्चर कर लिया उसको ट्राइब सब, ठीक है, सिंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं द ट्राइबल प्रीस्ट डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द किंग टू द देयर गॉड, ये आपका दूसरा होगा, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए बी के साथ डी, बी के साथ डी है। अब क्या हुआ कि जो देखा क्या, ये लोग ट्राइब लोग की किंग का उंगली कटा हुआ है, उंगली कटा हुआ, तो भैया उंगली कटा हुआ ये लोग को अनएक्सेप्टेबल है, नंबर हो जाए ए, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए नंबर है 12, ये क्या लिखा है, सो देखिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन टू फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है, ये जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और आंसर क्या होगा सो देखिए, बाय एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन एंड लेवरेजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, लेवरेजिंग का मतलब होता है उसका पूरा फायदा उठाते हुए काम करना, समझ रहे, चलिए तो फायदा उठाते हुए काम जो एक्सिलेट करते हैं, डिजिटाइजेशन जो होता है, डिजिटाइजेशन सारा चीज डिजिटल करना, द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो LIC वाला सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कैन डबल डबल इट्स डैश टू ₹70 लाख करोड़ स्टडी सेड, जो लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर है अगर वो डिजिटलाइज हो जाता है तो अपने को क्या कर सकता है, वो दुगुना कर सकता है, ठीक है, डबल इट्स वॉट, डबल इट्स डैश टू रिपीज, पैसा का बात हो रहा था, पैसा वाला वर्ड कौन है, तो आप अपना एसेट्स को दुगुना कर सकते हो, ठीक है, फंडिंग को नहीं, फंड थोड़ी देगा, एसेट्स जो आपका है प्रॉपर्टी, पॉलिसीज को नहीं, रिपोर्ट्स को नहीं, अबे थाप मारेंगे संदीप चौधरी, तो पीआईए देंगे तुमको, दुगुना अपना एसेट्स को करोगे कि तुम रिपोर्ट को करोगे, उल्लू कहेंगे बुद्धि भगवान ना दिए, तो लोग गधा सब है। चलो नेक्स्ट देखो नंबर 13, अभी तुरंत हमने वोट बताया, प्रीम एंड प्रॉपर, प्रीम एंड प्रॉपर का उल्टा देना, प्रीम माने होता है नीट एंड क्लीन, ठीक है, तो प्रीम एंड प्रॉपर, तो इसका उल्टा देना डिस Avail, disabled का मतलब disordered, जो disorder जैसे तैसे क्या हुआ disordered, ये disordered state में है, जैसे तैसे पड़ा हुआ disabled है, समझ में आया, NPA banking terminology, non performing assets होता है, yes, और जो word है principle माने सिद्धांत, intellectual माने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और उसका mature माने experience लोग, seasoned लोग,
मैच्योर मीन्स एक्सपीरियंस्ड सीजेंट। अगला हमारा एक्जेल है, एक्जेल का मतलब क्या होता है, जो छोड़ते हैं, उल्टा देना है तो इन वाला वर्ड दो, इनेल, ठीक है। एक्सपेल माने क्या होता है, एक्सपेल फ्रॉम ड्यूटी, एक्सपेल फ्रॉम स्कूल, वो होता है ऐसे बाहर नहीं। इंस्पायर माने प्रेरित करना, रेस्पाइट माने ये राहत होता है, ये आपको नाउन के रूप में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, राहत लेना, ठीक है, राहत की सांस लेना। टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ कहें या रिलीफ के लिए दूसरा वर्ड लिखे रेस्पाइट, राहत की सांस लेना, चले इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है 14 के 15, क्या है पाराजंबल्स है 15 नंबर, आप आ जाइए। क्या लिखा है पाराजंबल्स 15 में, ठीक है, देखिए फर्स्ट आपको देखना है, बताना है क्या आंसर होगा। आंसर देखिए, हमारा आंसर है प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी द मेन कॉज ऑफ डिफिशियंसी, डिफिशियंसी वाले विटामिन डिफिशियंसी 1 नंबर, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर शुरू होगा, डी से शुरू होगा, डी से शुरू होगा तो आंसर ये होगा, ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्लो का है सनी प्रसाद, स्लो का करोगे जाके। 16 नंबर में देखिए आपको जो वर्ड्स है वो देखेंगे। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये आपका करेक्ट है, निंदा करना, आपको याद होगा निंदा करना। कास्टिगेट होता है एसर्टेन यानी सुनिश्चित करना, सही है, सुनिश्चित करना है, ये आपको वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड है, सुनिश्चित कर, टू मेक श्योर, एसर्टेन, टू मेक सर्टेन, टू मेक सर्टेन, ये वर्ब फॉर्म होता है। अगला ये भी वर्ब था सिस्टेमेटिक, 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 सिस्टेमेटिक का MATIC होता है, सिस्टेमेटिक माने जो ऑर्डर्ड तरीके से चलता है, इनकरेक्टली खोजना था, ये सही हो गया। कम्बिनेशन माने जो कम्बिनेशन है, ग्रुप का कम्बिनेशन माने मिलाते हैं, वो कंबाइन करते हैं उसके लिए। नंबर 17 है रेजिलियंट, रेजिलियंट इंडियंस, हम वो लोग हैं जो फिर से उठ के खड़ा हो जाते हैं, लचीले लोग हैं, गिरेंगे पड़ेंगे उठेंगे, तो ये लचीलो लोग का काम होता है, ये सप्पल होता है, फ्लेक्सिबल है हम लोग, वी आर फ्लेक्सिबल इंडियंस, ठीक है। फ्यूरियस माने क्या, एंग, ठीक है, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, जो गुस्सा वाला, ये एडजेक्टिव होता है, फ्यूरियस से बनता है क्या, एक वर्ड निकल के आता है फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है नाउन, फ्यूरी मीन्स होता है क्या, गुस्सा, फ्यूरी ऑफ द फ्लड, ठीक है। लेजी माने, लेजी एडजेक्टिव है, ये आलसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसलेस, ये होता है क्या, जो बेसलेस है, बिना आधार का है, बेबुनियाद, बेसलेस, बेबुनियाद, विदाउट एनी ग्राउंड, बेबुनियाद, बेसलेस है, आपके जितने भी आरोप हैं, ठीक है, बेसलेस चार्जेस, बेसलेस एलिगेशंस। चलिए आपको बताना है यहाँ पे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है क्या लिखा है कि कैरेट्स एंड, क्या लिखा है, कैरेट्स एंड स्वीट, क्या लिखा है, पोटेटोज वेयर एयर ड्रॉप्ड, अगर वेयर दिया है तो वेयर के बाद हमारा क्या होता है, वेयर अगर पैसिव फॉर्म है तो वेयर के बाद क्या होगा, ए वेयर प्लस V3 हो, एयर ड्रॉप्ड यानी ऊपर हवाई से गिराया गया, नहीं होता हेलीकॉप्टर से गिराते हैं, किसके लिए गिराया गया था, तो एनिमल्स स्टार्विंग ड्यूरिंग द ट्रेजिक क्या बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जंगल में जो आग लगा था उस समय बहुत सारे जानवर जो थे वो क्या थे, वो भूखे थे, तो यहाँ पे एयर ड्रॉप्ड होगा, आर नहीं होगा, वेयर एयर ड्रॉप्ड फॉर एनिमल्स स्टार्विंग, ये सही है। नंबर होगा बी फॉर वॉल, लेकिन आपसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा खतरनाक सा मैं पूछने जा रहा हूँ, जो आपको बताना है कि वेयर एयर ड्रॉप्ड, और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ स्टार्विंग जो है इसका POS क्या होगा, जल्दी, एयर ड्रॉप्ड किसके लिए, फॉर एनिमल्स स्टार्विंग ड्यूरिंग द ट्रेजिक बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। देखो फायर ऐसे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इस रूप में देखो बुश फायर्स भी लिखा गया। हेलो कौन है जो बता सकता है, अरे भाई साहब ठीक है, हम इसको पलट देते हैं, क्या लिखा है, सो देखिए स्टार्विंग एनिमल्स, आप बताइए कि क्या होगा, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो इसका POS क्या होगा, स्टार्विंग एनिमल्स ये नाउन हो गया, तो अब ये क्या हुआ, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, स्टार्विंग एनिमल्स माने क्या, भूखे, जो भूखे जी रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, ये भी लिख सकते हो प्रेडिकेटिव, लेकिन प्रेडिकेटिव से अच्छा आप दे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बेस्ट है नॉन फाइनाइट से, समझ में आ गया। चलिए अगला देखेंगे, मजा आया, ऐसे भी लिख सकते थे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स विच, एनिमल्स विच वो क्या लिखेंगे, विच वर्ड स्टार्विंग, ये भी यूज किया जा सकता है, सेंस वही है लेकिन एडजेक्टिव का ज्यादा सेंस है, नॉन फाइनाइट भी बोलते तो चलता। वेन दे, देखो वेन दे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको वेन दे, आपको देना है क्या idiomatic, underline, when they read, देखो when they read about the proposed strike, proposed जो पहले से proposal दिया हुआ है, strike, अब देखो ये strike माने क्या होता है, ये आपको क्या होता है बंदी, और ये adjective नहीं हो गया, proposed strike जो पहले से क्या निश्चित है, of buses they said we shall cross that bridge when we come to it, कह रहा है कि अगर हमारे सामने मुसीबत आता तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेगा, वी विल क्रॉस द प्रॉब्लम
वेन वी कम टू इट, जब वहां पे पहुंचेंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ये समस्या के रूप में है। अगला हमारे पास है 20 नंबर, ये जो दिया है सो देखिएगा अगला, नो मैटर व्हाट डैट, देखिए नो मैटर व्हाट ये तो समझ में आता है, लेकिन नो मैटर डैट कहला दे दिया, ये सुपरफ्लुअस है। देखिए नो मैटर व्हाट द मदर डिड, ये सुपरफ्लुअस है, डिड द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग, स्टॉप के बाद हम जानते हैं कि स्टॉप के बाद क्या होता है, वी फॉर होता है, इसलिए क्राइंग, ये जो है यहाँ पे एरर जो होगा इसमें होगा, ये डैट सुपरफ्लुअस है। चले अगला जो है हमारे पास वो देखिए नंबर है 21, ये 21 कर रहा है सो देखेंगे, कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म देना है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्म देना है कि एक्सपर्ट सेड दैट सेवरल क्या लिखे स्टेप्स, तो डायरेक्ट देखो ये ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट है, दैट सेवरल स्टेप्स वेयर बीइंग टेकन टू प्रमोट, बस वहीं से शुरू करेंगे, एक्सपर्ट्स क्या लिखेंगे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ है यहाँ भी है यहाँ भी है, अब क्या देखेंगे देखो वर बींग दिया है तो आपको पहले क्या होना चाहिए आर बींग यहाँ पे, ये आपको गलत हो गया, हैड बीन दिया, आंसर है सी। अगला जो है अगला हमारे पास है नंबर 22, अकर, अकर का मतलब होता है टू हैपन, जो होता है अकर टू हैपन, सही है, सिनोनिम्स देना, हैस्टन माने जल्दीबाजी करना, हिंडर और हैप क्या है हैम्पर, कल भी लिखा है ये बाधित करना, सिनोनिम्स भी हमने कल लिखा है, हिंडर हो हैम्पर हो इम्पेड हो डिटर हो ये सब आपका सिनोनिम्स है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो बात समझे, पैसिव फॉर्म देने का है इसका, तो पैसिव फॉर्म क्या होगा रोट दिया है, रोट माने V2, और V2 अगर है तो हम जानते हैं वाज वेयर, खोजिए वाज वेयर क्या लिखे वाज वेयर, तो आंसर हमारा डी फॉर डॉग, वाज वेयर डी फॉर डॉग है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नंबर 24, माधुरी इज ब्रिंगिंग डैश हर सिस्टर, ब्रिंगिंग माने ब्रिंग अप का मतलब लालन पोषण करना, ठीक है फ्रेजल वर्ब है, ये होता है क्या पालन पोषण करने के लिए हम यूज करते हैं पोषण, ठीक है पालन पोषण करने के लिए यूज किया जाता है, ये याद आएगा आप लोगों को। चलिए तो ये हो जाएगा क्या ब्रिंग अप, अब देखो ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई भी चीज नया चीज को पेश करना, टू प्रेजेंट सम न्यू आइडियाज, ठीक है अप ब्रिंगिंग जो होता है नाउन होता है, अप ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है ये नाउन फॉर्म होता है, ये पालन पोषण करना है तो ये पालन पोषण होगा, कहते हैं इनका पालन पोषण अच्छे खानदान में हुआ, ठीक है अपब्रिंगिंग, ये ब्रिंगिंग का मतलब होता है टू प्रेजेंट न्यू आइडियाज, उसमें खासकर कुछ नए चीज को प्रस्तुत करने के लिए हम यूज करते हैं, याद रखिएगा इनोवेटिव आइडियाज, ये आपको हो जाएगा ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट समथिंग, और सबसे अच्छा जो पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है आपको ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, कोई भी चीज जो आप करवाते हो टू कॉज समथिंग, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज बदलाव लाना, टू ब्रिंग अबाउट क्या लिखेंगे टू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन, टू ब्रिंग अबाउट मेटामॉर्फोसिस, और ये लास्ट है हमारा कराए क्या करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट है, देखिए यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट में आपको फर्स्ट वर्ड है एवेलेंसी होगा, ये एवेलेंसी का मतलब जानते हो जो बर्फ का जो गिरना होता है ना एवेलेंसी, ये याद रखेंगे एवेलेंसी जिसको बोलते हैं, कैप्रीशियस जो वर्ड है हमारा करेक्ट स्पेलिंग ये सही है, बदलते रहना यार बदलना जाना मौसम की तरह, एक्सटेसी जो है वर्ड ये हमारा होता है अति प्रसन्नता होता है उसके लिए अति खुशी मिलती है आपको आनंद हो मिलता है ये एक्सटेसी है, ये आपको लास्ट में एसवाई होता है, ठीक है आनंद आता है, ये कम्प्लेसेंट है, कम्प्लेसेंट माने जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएंगे इसको बोलते हैं कम्प्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड संतुष्ट हो गए, ठीक है सो इस वर्ड ये जो है बहुत अच्छा रहा, समझ में आया ये बहुत अच्छा रहा, ये आपका बहुत ही अच्छा सेशन रहा, हो गया आज के लिए क्या बोला जाए, इतना चलेगा काफ़ी है, तो अगर आज के लिए इतना काफ़ी है तो चलते हैं हम लोग, आप लोग से बस एक गुजारिश है छोटी सी, ठीक है कि आप लोग बाद में भी जितना हो सकता है ना उतना आप कमेंट कीजिए, बाद में जितना शेयर कर सकते हो सेशन का, अभी ख़त्म करूँगा 5 मिनट में, आप जितना शेयर कर सकते हो उसको शेयर करना, और जितना सब्सक्राइब करा सकते हो गाँव घर जन फन जहाँ भी वहाँ आप करते रहो, ठीक है और बस
आप लोग की दुआएं काम करते रहे, हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे। हमने जो टाइम बोला था 2 घंटे, आपको ख़त्म कर दिया, ठीक है, एकदम जब शुरू किया था एकदम उतना ही टाइम में ख़त्म कर दिया। तो चलिए बाय, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में।